बच्चा पार्टी वेलकम टू दी ये पोस्टमार्टम सीरीज सो आज की पोस्टमार्टम सीरीज में वी आर गोइंग टू एनालाइज दी योर पेपर नंबर ऑफ योर योर सिलेबस दैट इज आईबीसी का ओपन बुक का पेपर जो अभी ही जून ट्वेंटी फोर वाले अटेम में हुआ था यस yes, आज हम उस पेपर के सारे के सारे क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ने क्या क्वेश्चन पूछा था और आपको उस क्वेश्चन का कैसे आंसर करना चाहिए था तो यस yes, बच्चा पार्टी क्या आप सब रेडी हो यस yes, आज भी हम वो सेम प्रैक्टिस फॉलो करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कौन सा प्रैक्टिस सर यस yes, आप क्या करोगे अगर आप वो स्टूडेंट हो जो अभी दिसंबर का अटेम्प्ट देने वाले हैं तो आपको क्या करना है आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा आपको पॉज करना है वीडियो आपको वो क्वेश्चन रीड करना है एंड आपको खुद से एनालाइज करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था फिर आपको वापस से वीडियो प्ले करना है और आंसर देखना है और आपको ये समझना है कि जो आंसर आपने सोचा था जो आपने एनालाइज किया था क्या वो मैच कर रहा है मेरे आंसर के साथ तो यस बच्चा पार्टी क्या आप सब लोग रेडी हो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? चलो आ जाओ इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर वन पे यस बच्चा पार्टी चलो अब क्वेश्चन नंबर वन जनरली क्या होता है ना जब भी आप ओपन बुक का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर वन हमेशा एक लेंथी क्वेश्चन होता है यस बच्चा पार्टी ओल्ड सिलेबस में ये क्वेश्चन ना अराउंड फोर्टी मार्क्स का आता था मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन होता था और उसमें चार से पांच सब क्वेश्चन होते थे डिपेंड करता था कि एक क्वेश्चन कभी दस मार्क्स का आता था कभी पांच मार्क्स का आता था उस हिसाब से इंस्टीट्यूट आपको ये क्वेश्चन पूछता था तो इस बार भी अगर आप देखोगे इस वाले लेटर में भी तो ये क्वेश्चन भी काफी बड़ा था इसके अंदर भी इंस्टीट्यूट ने आपसे कुछ सब क्वेश्चन पूछे हुए थे अगर आप देखोगे तो हर एक क्वेश्चन का है। तो सब इन दिस अब क्वेश्चन क्या था तो क्वेश्चन काफी सिंपल सा था सी, अगेन यहाँ पे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोला था एक पर्सन थे मिस्टर आलोक मिस्टर आलोक एक डीलर थे आईवेयर में अब क्या था ना इनका खुद का आईवेयर का शॉप था और ये डीलर थे ये सारे के सारे एक्सेसरीज और ये सब बेचते थे तो इनके प्रोडक्ट का ना काफी ज्यादा डिमांड हो रहा था इनका एक और कजिन था जो कि साउथ अफ्रीका में रहता था तो इन्होंने क्या किया ना इन्होंने उसके कजिन के साथ मिलके एक शॉप ओपन किया साउथ अफ्रीका के अंदर जहाँ पे ये क्या करते थे वहां पे भी सारी के सारे जो आई वे पेक्टिकल गॉगल जो होते हैं वो वहां पे बेचते थे काफी बार तो ये होता था कि इंडिया में भी सप्लाई फुलफिल करने के लिए वो वहां से मटेरियल सारी के सारी चीजें यहाँ पे सप्लाई करते थे क्योंकि इनके प्रोडक्ट का काफी ज्यादा डिमांड था अब इतना ज्यादा डिमांड होने की वजह से क्या हो रहा था ना इनका प्रॉफिट और ये सब काफी ज्यादा बढ़ चुका था अब हुआ क्या ना उनके कजन के साथ कुछ इनका मैनेजमेंट को लेके कुछ इशू हो गया और इन्होंने डिसाइड किया कि उनका साउथ अफ्रीका वाला जो ब्रांच है ना वो क्या कर देगा वो बंद कर देगा और इन्होंने सिर्फ इंडिया वाले ब्रांच पे फोकस करने का सोचा अब जब इन्होंने इंडिया वाले ब्रांच पे फोकस करने का सोचा तो इन्होंने ऑलरेडी काफी सारे लोन्स और ये सब लिया हुआ था इनका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए अब हुआ क्या ये जैसे तैसे करके इनका बिजनेस संभाल ही रहे थे कि फिर आया बच्चा पार्टी कोविड अब कोविड आने की वजह से हुआ क्या ना इनका बिजनेस एकदम से बंद हो गया तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ ना यहां पे जो plan, जो रेजोल्यूशन प्लान रीपेमेंट प्लान बनाया गया था इनको इंसॉल्वेंसी से दूर करने के लिए तो ये रीपेमेंट प्लान भी वो रेजोल्यूशन प्लान भी ये फुलफिल नहीं कर पाए कंप्लीट नहीं कर पाए और इसकी वजह से क्या हुआ बैंक करपसी प्रोसेस इनिशिएट हो गया अब बच्चा पार्टी आपको पता ही रहेगा अगर मान लो आप एक इंडिविजुअल हो

अब इस पूरे क्वेश्चन के बेसिस पे इन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं कुछ सिचुएशन पूछी हुई है अब आपको उनका आंसर करना है सबसे पहला क्वेश्चन क्या था देखो. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दैट बेस्ड ऑन अबाउट फैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन ये था दैट वेदर द डाउट ऑफ द दैंक ट्रस्टी अबाउट द सेल ऑफ शॉप टू इस रुपीज फिफ्टी लैक एंड गिफ्ट टू सन हैज एनी रेलिवेंस एज पर आई बी होता है, अगर, उसको गया कि बैंक अगर उसको लग रहा है कि ये ट्रांजेक्शन उसने इसलिए किया ताकि वो दूसरे क्रेडिटर को डिफ्रॉड कर सके उसके अंदर काफी सारे ट्रांजेक्शन कवर हो रहे थे अगर आपको याद हो तो यस yes, बचा पार्टी प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या आया ये सारे वो ट्रांजेक्शन है जो कि आपका कोड अवॉइड करता है अगर आपने मतलब किसने डेटर ने अगर ये सारे ट्रांजेक्शन किए हुए हो तो क्या होता था गाइस इसका इफेक्ट करने से रेसिप्रोकेट हो जाता था यस yes. तो यहाँ पे भी क्या हुआ था ना जो जो यहाँ पे डेटर है उन्होंने क्या किया था उन्होंने उनका एक शॉप था वो शॉप बेचा था किसको कपिल को कितने के लिए फिफ्टी लाख रुपीज के लिए वो शॉप बेचा था शॉप बेच के जो पैसा आया ना वो पैसा उन्होंने क्या किया था उनके बेटे को गिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे जो बैंक ट्रसी जो है उसको डाउट गया कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है क्या वो कोड के अकॉर्डिंग वैलिड है तो आपको अब इसका आंसर क्या देना चाहिए था चलो आ जाओ यस बच्चा पट्टी अब इसका आंसर आपको क्या लिखना चाहिए था देखो सेक्शन 158 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स दैट Yes, लेके जब तक आपका ट्रिब्यूनल नहीं आ जाता अगर उसके बीच में अगर कोई भी प्रॉपर्टी डिस्पोज किया था डेटर ने तो वो ट्रांजेक्शन क्या हो जाता है बच्चा पार्टी हो जाता है समझ में आया तो यहां पे क्या हुआ था अफकोर्स ये yes, हुआ था यहाँ पे जो डेटर ने जो प्रॉपर्टी बेची कपिल को वो कब बेचा था इस पीरियड के बीच में ही बेचा हुआ है तो कहना से ये सेक्शन 158 में फॉल कर रहा है इतना ही नहीं आगे देखो फर्दर सेक्शन डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मेड अंडर सबसे कमेंसमेंट डेट अगर मान लो वो प्रॉपर्टी उसने गुड फेथ में लिया था प्रॉपर वैल्यू देकर लिया हुआ है उसको पता नहीं था कि यहाँ पे का एप्लीकेशन फाइल किया गया है तो ही क्या माना जाता था कि ये प्रॉपर्टी मतलब रिसीव किया हुआ है आप उसके अगेंस्ट में कुछ भी एक्शन नहीं ले पाओगे ये सर नो अब अगर आपको याद हो हमने एक और ट्रांजेक्शन पढ़ा था क्या अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन वहां पर हमने क्या देखा था कि अगर मान लो यहाँ पे डेटर ने अगर कुछ गिफ्ट दिया है किसी पर्सन को और अगर आप ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो कि आपने ये ट्रांजेक्शन क्यों किया था तो हम ये ट्रांजेक्शन मान कि आपने इसलिए किया था ताकि आप दूसरे creditors का कर सको, तो तो क्या ये code में allowed है? तो ये में है? बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है तो कहने से यहाँ पे जो क्या ये डाउट प्रॉपर था बचा पार्टी सो यस अगेन द आंसर इज यस तो आपको समझ में आपको किस तरीके से आंसर करना था यहाँ का सी आपका कंक्लूजन क्या बनेगा डाउट ऑफ बैंक ट्रस्टी अबाउट ट्रांजेक्शन इज कम्पलीटली रेलिवेंट एज पर कोड ये समझ में आया मतलब अगर यहाँ पे मान लो जो शॉप जो कपिल को ट्रांसफर हुआ है जो, हुआ है, जो पैसा आया वो पैसा उसने अगर उसके बेटे को गिफ्ट कर दिया तो कहने से दोनों ही ट्रांजेक्शन कोड के अकॉर्डिंग डाउट करना कंप्लीटली वैलिड है सो अगेन द आंसर इज ये तो ये yes, बच्चा पार्टी क्या आपका आंसर राइट था बताओ फटक से क्या आपका आंसर राइट था क्या आपने भी वही सोचा जो यहां पे मैंने सोचा था यस yes, बच्चा पार्टी तो आपको समझ में आया किस तरीके से आपको इसका आंसर करना था अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू पे मतलब मेन क्वेश्चन 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 का सब अब नंबर क्या कहते हैं ध्यान से देखो द एक्ट ऑफ आलोक फॉर कंटिन्यूइंग एज अ डायरेक्टर इन दी पद्मावत सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड शेखावत सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड पार्टिसिपेटिंग इन दी फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ न्यू कंपनी इज वैलिड अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हो

फॉर्मेशन में या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता याद है ऐसे काफी सोल्यूशन में, तो किया, किया? में, में और शेखावत सोल्यूशन में एज अ डायरेक्टर एक्ट कर रहा था मतलब प्रोविजन क्या बोलते हैं कि उसको डायरेक्टर नहीं बनना है फिर उसको क्या कर देना है उस पोजीशन से रिजाइन कर देना है लेकिन क्या उसने किया सो द आंसर इज नो इतना ही नहीं वो एक कंपनी के फॉर्मेशन में भी क्या कर रहा था पार्टिसिपेट कर रहा था तो जो एक्टिविटी उसने की क्या वो अकॉर्डिंग टू द कोड क्या वो वैलिड है तो द आंसर इज नो ये देखो बच्चा पार्टी यहां पे फैक्ट में क्या पूछा था ये देखो फैक्ट में क्या दिया गया था कि वो एज अ डायरेक्टर कंटिन्यू कर रहा थे ये दोनों कंपनी में इतना ही नहीं उसने एक न्यू कंपनी के फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट किया

अब आ जाओ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे इज योर क्वेश्चन नंबर अब यहां पे इन्होंने एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है क्या एक्सप्लेन द प्रोविजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्टेट ऑफ दलोक इन अकॉर्डेंस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड अब यहां पे अगेन आपको याद हो अगर आपने मेरे रेगुलर लेक्चर्स अटेंड किए थे तो यहां पे मैंने आपको बोला था कि किस तरीके से एक बैंक्रप्ट का एस्टेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमोंग द क्रेडिटर्स यस बच्चा पार्टी देखो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ मेथड से आप जो भी फाइनल डिविडेंड आप जो पे करोगे आप कौन से ऑर्डर में पे करोगे क्या प्रायोरिटी रहेगा तो यहां पे जो ट्रस्टी जिसको आप अपॉइंट करते हो वो क्या करता है वो इन सारा का सारा सबसे पहला वो क्या माइनस करेगा जो भी बैंक का खर्चा हुआ था सबसे पहला वो कॉस्ट माइनस होता है उसके बाद क्या होता है गई जितने भी वर्कमेन के ड्यूज है जो भी चीजें पेंडिंग थी वो आप क्या करते हो वो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसके बाद जितना भी डेट आप सिक्योर्ड क्रेडिटर को ओ कर रहे थे वो पे किया जाता है फिर अगर मान लो कुछ एम्प्लॉयज को कुछ पैसा देना बाकी था वो पे किया जाता है उसके साथ साथ अगर मान लो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना बाकी था तो वो पे करते हो और उसके बाद सबसे लास्ट में अगर मान लो कुछ डेट अगर आप ओ कर रहे थे मतलब बैंक अगर कुछ डेट ओ कर रहा था इट इंक्लूड्स योर अनसिक्योर डेट तो ये भी आपको रीपे करना पड़ेगा तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से इसका जो भी प्रोसीड होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा यस yes, बच्चा पार्टी याद आया आपको ये ये आंसर? आंसर yes, बच्चा पार्टी। क्या आपको या याद आया? आगे देखो। आयाच इज क्लासिफाइड इन सबसेक्शन वन शेल रैंक इन दी ऑर्डर इन देट सबसे बट डेट ऑफ द्लास रैंक इक्वली अमाउंट एंड शेल बी पेड इन इज इनसफिशिएंट टू मीट देम इन विच केस दे शेल अबेड इन इक्वल प्रपोर्शन बिटवीन दमसेस बचा पार्टी क्या आपको याद आया yes, सेम क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा मैं आपको बताऊंगा कहा क्वेश्चन में इसको यूज किया हुआ इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें ही हम देखेंगे यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी दिया है क्या आप वो चेंज कर सकते हो सुधा आंसर इज नो अब क्वेश्चन क्या राइज होता है की अगर मान लो सिमिलरली रैंक अगर क्रेडिटर्स है तो उनको कैसे पे किया जाता है उनके रैंक के अकॉर्डिंग अगर मान लो जो प्रोसीड अगर वो इनसफिस होता है तो दोनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा yes, बच्चा पार्टी क्या आपको याद आ रहा है यहाँ पेडिटर एनी इंडेमिटी और प्रिजर्व दी मे मेक सच ऑर्डर एज इट थिंग्स जस्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच असेट With a view to giving that creditor an advantage over other creditors in in consideration of the risk taken by him in doing so। अगर आपको याद आ रहा अगर मान लो आपका कुछ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर आप क्या करते हो आप रिलिंग कर देते हो मतलब आप रिस्क करो अगर आपने कुछ रिस्क लिया था तो आपको प्रायोरिटी मिलता था याद आया बच्चा भाटी येस ये वही वाला आंसर है ये देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स रैंक इक्वली अमॉन्ग्सल्फ अनलेस कॉन्ट्रेक्चुअली अग्रीड

The partnership property shall be applicable in first instance in payment of the partnership debt and the separate property of each partner shall be applicable in the first. In payment office, separate date, yes, बच्चा पार्टी, आपको तो तो याद ही रहेगा दोनों जगह पे 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 आता है 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 आपका आपका हो हो और partnership फर्म हो, अब यहाँ पे कैसे होता है? अगर मान लो तो को pay करने के लिए आप सबसे पहला क्या यूज करोगे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी या पार्टनर्स का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी सबसे पहला बच्चा पार्टी पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी यूज किया जाएगा वाइज वर्सा सेम होगा अगर मान लो पार्टनर का कोई सेपरेट डेट है तो पार्टनर उस डेट को रीपे करने के लिए क्या करेगा? उसका खुद का प्रॉपर्टी पहले यूज़ 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 करेगा करेगा? करेगा? या पार्टनरशिप वाला प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पार्टी खुद का यूज़ करेगा? Yes, इतना ही नहीं आगे देखो कि अगर मान लो कुछ सरप्लस वेर इज सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ दी पार्टनर इट शेल बी डेल्ट विद एज पार्ट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड वेर देर इज अर्प्ल ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इट शेल बी डेल्ट विद एज दी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन प्रपोर्शन टू दी राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्टनर इन दी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मतलब अगर आपको इंडिविजुअल डेट था अब वो उसने पे कर लिया अब अगर कुछ बैलेंस बच रहा है तो जितना भी उसका इंटरेस्ट उस पार्टनरशिप फॉर्म में रहेगा उतना बैलेंस का वो प्रॉपर्टी एज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाएगा यस yes, बचा पार्टी तुमको समझ में आया तो तुमको समझ में आया आईबीसी के अंदर दैट इज कोड के अंदर हमने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है अगर इंडिविजुअल मान लो बैंक हो चुका है अगर उसको उसका जितना भी डेट है अगर वो रीपे करना है तो कैसे मैनर में रीपे करेगा कि ट्रस्टी यस बच्चा पार्टी क्लियर है तो आपको समझ में आया आपको किस तरीके से आंसर करना था तो यस बच्चा पार्टी अगेन क्या आप सब लोग सही हो क्या आपने भी वही आंसर सोचा जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है अगर यस तो मोबाइल रखो आप लोग ने अभी तक तीनों आंसर राइट दिए हैं। अब आ जाओ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन क्या अगर आपको याद हो मैंने आपको पहले बोला था ऐसे कौन से कौन से असे 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 जो कि आप यूज करोगे फॉर रिपेइंग द लाइबिलिटी ऑफ द्रप्ट मतलब क्या है कि ये वो सारे असेट होंगे जो कि आप बैंक के एस्टेट में ऐड करोगे

अब कौन सी कौन सी चीजें इंक्लूड होती है तो ऑल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू और वेस्टेड इन द द द हैंड्स ऑफ एट कमेंसमेंट डेट कैपेसिटी टू एक्सरसाइज एंड टू इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर एक्सरसाइजिंग ऑल सच पावर इन और ओवर और इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी एज माइट है इसका सिंपल मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी प्रॉपर्टी को लेके किसी बैंक का राइट है कि मतलब इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है तो वो भी प्रॉपर्टी बैंक के एस्टेट का पार्ट बनेगी इतना ही नहीं अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी उसके पास आया था थ्रू डिस्पोजिशन डिस्पोजिशन मतलब क्या था मैंने बोला था कि अगर मान लो बैंक्रप्ट के पप्पा की डेथ गई और वो प्रॉपर्टी उसके पास डिस्पोज हो गया उसके पास आ गया क्यों क्योंकि वो एक लीगल एयर है उसके पास आया तो वो प्रॉपर्टी भी आप क्या करोगे बच्चा पार्टी कंसिडर करोगे और उसको एस्टेट में एड करोगे समझ में आया अच्छा अब कौन सी कौन सी प्रॉपर्टी एक्सक्लूड होती है चलो आ जाओ सबसे पहला एक्सक्लूडेड एसेट अब अगर आपको याद है तो रेगुलर लेक्चर में हमने एक्सक्लूडेड असेट का डेफिनेशन पढ़ा था ये सो कि कौन से कौन से असेट एक्सक्लूड होते हैं फिर उसके बाद

ट्रस्ट के तौर पे होल्ड करके रखा हुआ है yes, बच्चा पार्टी फिर उसके बाद अगर मान लो एम्प्लॉय का कोई पैसा ड्यू है विद रिस्पेक्ट टू प्रोविडेंट फंड एंड ऑल तो वो पैसा भी आप एस्टेट में एड नहीं कर सकते इतना ही नहीं अगर मान लो ऐसा कोई अरेट जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करता है इन कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर तो वो सारे असेट भी गाइस एक्सक्लूड हो जाएगा और उसको बैंक ट्रस्टी बैंक एस्टेट में ऐड नहीं कर सकता यस yes, बच्चा पार्टी क्या यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है अब कंक्लूजन क्या होगा ध्यान से देखो कौन सा कौन सा असेट, एस्टेट का पार्ट बनेगा सबसे पहला रेसिडेंशियल अभी बताऊंगा एंटिक पेंटिंग सिल्वर हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड अदर वैल्यूएबल आइटम्स इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अब इनहेरिटेड का प्रॉपर्टी क्या होता है प्रॉपर्टी जो इसको मिला है थ्रू डिस्पोजिशन मतलब प्रॉपर्टी था उसके पप्पा का लेकिन अब ये क्योंकि लीगल हैर था तो इसके पास आ गया तो कहने से ये तीनों प्रॉपर्टी इंक्लूड होगा तो सर अगर ये तीन प्रॉपर्टी इंक्लूड हो रहा है तो कौन सी कौन सी प्रॉपर्टी एक्सक्लूड होगी सबसे पहला प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड ये सारी चीजें क्या हो जाती है गई एक्जेम हो जाती है इतना ही नहीं अगर आपका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है बट प्रोवाइडेड वो इंश्योरेंस पॉलिसी कैसा होना चाहिए

प्रॉपर्टी ऑफिस फ्रेंड अरुण विच इज बाईक की एक प्रॉपर्टी थी जोजिशन कि में थी आलोक के पोजिशन में यह प्रॉपर्टी तू ए ट्रस्ट के तौर पर होल्ड करके रख मेरे बेनिफिट के लिए होल्ड करके रख तो क्या यह प्रॉपर्टी आएगा अगेन द आंसर इज नो अब अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी क्यू सर अगर आपको याद हो जब हमने एक्सक्लूडेड का डेफिनेशन पढ़ा था तो एक्सक्लूडेड के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट होता है सिंगल रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट मतलब एक bankrupt का अगर दो घर है तो उसमें से क्या होगा एक घर बच जाएगा और एक घर एस्टेट में काउंट होगा लेकिन हमने जब देखा था कि अगर मान लो उस बैंक का सिर्फ एक ही घर है मतलब सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जो वो रहने के लिए यूज कर रहा है तो उस केस में क्या होगा क्या उसको एक्सक्लूड किया जाएगा सो द आंसर इज यस एक्सक्लूड होता है लेकिन अगर मान लो ट्रिब्यूनल को लगता है कि इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है।, मतलब है और अगर ये घर बेचा बेचने के बाद जितना भी डेट था अगर वो रीपे हो गया, और उसके बाद जो भी बैलेंस पैसा बचता है उससे अगर बैंक एक और घर खरीद सकता है तो क्या ये फ्लैट बैंक में कवर होगा सो द आंसर इज आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया प्रोसीडिंग A dwelling unit is यूनिट इज प्रोटेक्टेड इंक्लूडेड इन दी madam. अगर आपका ये है, अगर आप रहने के लिए ये, ये यूज कर रहे हो तो ही क्या होगा ये बैंक से एक्सक्लूड होगा लेकिन दिस इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट दैंक्रप्ट फ्रॉम बिकमिंग होमलेस समझ मारे लेकिन इसका एक और कंडीशन था क्या कि अगर मान लो इसका वैल्यू इतना है मान लो अगर कोर्ट ने डिटर किया ट्रिब्यूनल ने ये की नहीं यार वैल्यू बहुत ज्यादा है जैसे कि इस केस में अगर आप वैल्यू देखोगे तो दो करोड़ का वैल्यू है समझ रहा है बच्चा पार्टी आपको तो रेसिडेंशियल फ्लैट इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड होगा ये डिपेंड करेगा उसके वैल्यू पे समझ आ रहा है बच्चा पार्टी आपको यस तो यहाँ पे अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि जो दो करोड़ का जो प्रॉपर्टी है अगर वो सफिशियंट है डेट रिपे करने के बाद भी एक और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो यहाँ पे क्या होगा वो प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया जाएगा बैंक के एस्टेट में और वो यूज किया जाएगा फॉर द द ऑफ क्रेडिटर्स समझ मारे? मतलब जितना भी डेट क्रेडिटर्स का बनता है वो हम रिपे कर देंगे यस yes, बचा पार्टी क्लियर है अच्छा अब आ जाओ आपके लिमिटेशंस पे अब लिमिटेशन ऑलरेडी मैंने आपको कहा क्या द प्रोटेक्शन इज सब्जेक्ट टू द वैल्यू ऑफ ड्वेलिंग यूनिट बीइंग रीजनेबल कि वैल्यू भाई रीजनेबल होना चाहिए अगर मैं कहूँ कि भाई मान लिया बैंक का दस करोड़ का घर है और अब इसको एक्सक्लूड करो तो चलेगा क्या अरे नहीं अब उसका डेट मान लिया चार करोड़ का है, तो कहने से वो दस करोड़ का घर बेच के अब चार करोड़ का डेट इजीली आप रीपे कर सकते हो और कहने से बैलेंस फंड से बैंक एक और घर खरीद सकता है यस और नो यस बच्चा पार्टी चेन्नई से तो यहाँ पे रेसिडेंशियल फ्लैट एक्सक्लूड होगा कि इंक्लूड होगा ये डिपेंड करेगा ट्रिब्यूनल पे कि कितने वैल्यू का घर है अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये वैल्यू सफिशियंट है तो यस yes, इसको हम क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे बैंक एस्टेट में और अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि नहीं ये जो सिंगल ड्वेलिंग यूनिट है ये उतना सफिशियंट नहीं होगा और इसका प्राइस भी रीजनेबल है तो उस केस में में क्या होगा इसको एक्सक्लूड किया जाएगा yes, बच्चा बाड़ी, आपको समझ आया किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना था तो अगेन क्या आपने ये आंसर राइट right दिया बताओ क्या आपका ये आंसर राइट right था करेक्ट था यस yes, बच्चा पार्टी आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको आंसर करना है अब आ जाओ सबसे लास्ट क्वेश्चन पे सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? से बचा पार्टी? अगर yes. अगर आप लोग मेरे मेरे रेगुलर रेगुलर स्टूडेंट हो, आपने क्लासेस अटेंड रहे थे तो आपको पता रहेगा हमने कितना डिटेल में फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस पढ़ा था और yes नो no? अगर आपको याद हो अगर किसी इंडिविजुअल को फ्रे स्टार्ट प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन फाइल करना है तो देर वेरियस वे 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 कंडीशन याद करो याद करो यस 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 आप बरोबर बोल रहे बहुत सारी कंडीशन थी उसमें से दो तीन कंडीशन बताओ मेरे को डेट कितना होना चाहिए था याद करो, याद करो से अगर आपका मान लो ऑलरेडी कोई फ्रेश प्रोसेस चल रहा है तो क्या आप दूसरा फ्रेस्टार्ट प्रोसेस इनिशिएट कर पाओगे अगेन द आंसर इज नो यस बच्चा फटाक से आ जाओ आंसर में चलो फटाफट यस ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर आपको फ्रेश प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन फाइल करना है तो क्या क्या कंडीशन होता है पहली बात तो ये बताओ कि प्रोसेस क्या होता है तो आपको सबसे पहला फ्रेस्टार प्रोसेस क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है क्या था बच्चा बड़ी फ्रेस्टार्ट प्रोसेस कहने से ये एक प्रोसेस इसलिए लाया गया था ताकि हम एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी दे पाए कैसी अपॉर्चुनिटी सर कि अगर मान लो उसका बहुत कम डेट है और उसके पास कोई भी या कोई भी अवेलेबल नहीं है कि उस डेट को वो कर सके तो हम क्या करते थे डिस्चार्ज हो, हो जाओगे और आप फ्रेशली आप हर एक चीजें स्टार्ट कर पाओगे पार्टी yes, अगर आपने डेफिनेशन दे दिया उसके बाद अगर आपको याद रहेगा तो कंडीशन था क्या फ्रेश प्रोसेस हर कोई हर कोई इनिशिएट कर सकता है आंसर इज दो मतलब ये फ्रेस्टेड का एडवांटेज उन्हीं को मिलेगा जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो क्या क्या, क्या कंडीशन था आपका ग्रॉस एनुअल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका एग्रीगेट वैल्यू ऑफ वैल्यूटी थाउजेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके बाद आपका क्वालिफाइंग डेट का वैल्यू थर्टी से ज्यादा नहीं होना चाहिए आप एक अनडिस्चार्ज नहीं होने चाहिए आप आपके पास कोई भी सिंगल ड्वेलिंग यूनिट नहीं होना चाहिए इर रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज और नॉट मैंने बोला भी था कि अगर मान लो आपके पास कोई घर है और उस घर के ऊपर मान लो आप देखो सिक्योरिटी क्रिएट करके रखा हुआ है करके कर कर रखा हुआ है तो क्या आप बच जाओगे इससे आप क्या बोलोगे अरे नहीं यार वो जो घर है ना उसके ऊपर देख मैंने चार्ज क्रिएट करके रखा हुआ है तो क्या इससे आप बच जाओगे अगेन द आंसर इज नो अगर आप एक स्विंगल ड्वेलिंग यूनिट होल्ड करते हो ओन करते हो आज ऑन डेट तो उस केस में आप फ्रेश स्टार्ट के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाओगे इतना ही नहीं अगर मान लो आपका ऑलरेडी अगर कोई

क्लियर है यहां तक कुछ भी डाउट है यहाँ तक आपको सब समझ में आया पक्का clear है, चलो, अब आ जाओ, आपके क्वेश्चन नंबर टू में यस yes, क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है अगेन इसमें भी मेन क्वेश्चन में कुछ सब क्वेश्चन है वो हम देखेंगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू ए पे अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से देखो यहाँ पे ना यहाँ पे क्या था एक विनय का कार कंपनी लिमिटेड करके एक कंपनी थी जो कि मैन्युफैक्चर करती थी पैसेंजर कार और कमर्शियल कार इंडिया के अंदर अब इनका क्या था ना इनका सिंगल ब्रांड डीलरशिप था अक्रॉस सिटीज अब क्या होता था ना ये पूरे इंडिया में क्या करते थे गाइस बच्चा बाटी ये दोनों कार बेचते थे पैसेंजर कार भी और एज वेल एज कमर्शियल कार भी ये लोग क्या थे ये लोग मैन्युफैक्चरर थे तो इनके काफी सारे डीलर्स भी होते थे अब यहाँ पे हुआ क्या ना इन्होंने सोच लिया कि काफी ज्यादा ना पैसेंजर कार जो कार सेगमेंट था ना

मैन्युफैक्चर की हुई कार को बेचता था कौन मैन्युफैक्चर करता था वीसीसी कौन सी कार ये डील करता था पैसेंजर कार में अब आ जाओ जो केसीएल जो है केसीएल ने बैंक लोन ले रखा था, से और बी टू से कितने का लोन लेके रखा हुआ था दस करोड़ और सात करोड़ का बोथ दी हैव दसू चार्ज ऑन दी ऑफिस प्रेमाइजेस कम शोरूम अब हुआ क्या ना जो केसीएल है केसीएल ने क्या बोला कि भाई वो ना अब लाइवलिटी जो उसका है वो रीपे नहीं कर पाएगा

अब हम अट्स का वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं अरे जब कहना सारा का सारा प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो अब कैसे करोगे किया जाएगा, का करने के लिए यस yes, बच्चा पार्टी अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है करंट रिसीवेबल्स ऑन बुक्स आर वन करोड़ आउट ऑफ विच फिफ्टी इज डाउटफुल मतलब करंट रिसीवेबल्स कितने करंट रिसीवेबल्स है, है जिसमें से 50 परसेंट डाउटफुल है उसके बाद केसीएल जनरल पर्पज अकाउंट विध बी वन है B1 के पास जिसमें इतना बैलेंस अभी अभी बचा हुआ है अब जितने भी फैक्ट्स हमने अभी तक देखे हमें क्या करना है उस फैक्ट के बेसिस पे ये सारे फॉलोइंग्स क्वेश्चन आंसर करना है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बचा पार्टी हाउ मच वीसीज नेट क्लेम अगेंस्ट केसीएल अच्छा मेरे को बताओ वीसीसी का नेट क्लेम कितना होगा अगेंस्ट केसीएल मेरे को बताओ यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला वीसीम हेज डिमांडेड रुबीज थ्री पॉइंट फाइव जीरो करोड़ फ्रॉम केसीएल अगेंस्ट पेंडिंग रिसीवेबल्स लेकिन अगर आपको याद हो तो केनई से ऑलरेडी उसने क्या किया था उसने वन पॉइंट फाइव करोड़ का ऑलरेडी एक डिपोजिट के रखा हुआ था तो यस बच्चा पार्टी अब आप बताओ कितना नेट क्लेम होना चाहिए था ये देखो टू डिटरमाइन माइन दी नेट क्लेम सबसे पहला पेंडिंग रिसीवेबल्स कितना है के से थ्री पॉइंट फाइव सी है लेकिन ऑलरेडी डीलरशिप सिक्योरिटी डिपोजिट कितना देख रखा हुआ था

बताओ जो भी क्लेम उसका पेंडिंग है अगेंस्ट दी केसीएल तो उतने क्लेमेंट के लिए उसका स्टेटस क्या रहेगा कैन आई से वो एक ऑपरेशनल क्रेडिटर कंसीडर किया जाएगा समझ में आया बच्चा पार्टी यस यहाँ तक कुछ भी डाउट है यहाँ तक आपको सब समझ में आया क्या आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको आंसर करना है समझ में आ ना यस मैंने अभी भी बोला कि जो भी डिसम्बर वाले बच्चे गाइस आप लोग

पढ़ा था, तभी बोला था कि अगर मान लो कोई फिनेंशियल क्रेडिटर है तो कहने से फिनेंशियल क्रेडिटर्स बाय डिफॉल्ट सीओसी का पार्ट बनते हैं अच्छा ऑपरेशनल क्रेडिटर कब पिक्चर में आता है तभी ही पिक्चर में आते हैं जब कॉर्पोरेट डेटर या डेटर कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर ना हो या तो फिर हर एक फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या है बचा पार्टी रिलेटेड पार्टी है तभी ही ऑपरेशनल क्रेडिटर आएंगे यस और नो तो अब सीओसी में कौन कौन आएगा बैंक बी वन एंड बैंक बी टू आर हु प्रोवाइडेड अ लोन इज एन अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर अब ऑपरेशनल क्रेडिटर जैसे कि वीसीसी क्या इनको आप सीओसी में इंक्लूड करोगे क्या करोगे अगेन आंसर इज नो क्यों अरे नहीं करोगे ना इंक्लूड क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर है ऑपरेशनल क्रिएटर तभी आएगा जब फिनेंशियल yes, तो सीओसी विल कंसिस्ट ऑफ़ बैंक बी टू एंड आपका पार्टी क्या आपको यहां तक कुछ भी डाउट है आपको समझ में आया किस तरीके से आपको आंसर करना था समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी पक्का क्लियर है अब आ जाओ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज योर क्वेश्चन नंबर फोर्थ यस yes, चलो चलो आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलो हु अमॉन्ग द क्रेडिटर्स ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स कैन नॉट रिजेक्ट अ प्रपोज रेजोल्यूशन प्लान अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या पूछा है दैट हु अमॉन्ग द क्रेडिटर्स और ग्रुप ऑफ क्रेडिटर कैन नॉट रिजेक्ट अ प्रपोज रेजोल्यूशन प्लान कि जितने भी क्रेडिटर्स या ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स जो अब हमने क्वेश्चन में देखा

तो हमें भी पता है अगर इंसॉल्वेंसी रिजोल्व नहीं होता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन क्या ऑप्शन yes, अब यहाँ पेट बेच के आया था उस में से हमने सबसे क्या माइनस करने के बाद जो बैलेंस जो बच रहा है वो कितना है 10.99 करोड़ अब यहाँ पे इनका क्या कहना है कि प्रायोरिटी ऑफ क्लेम के हिसाब से यहाँ पे बैंक बी वन को कितना पैसा मिलना चाहिए जाओ बच्चा पार्टी कैलकुलेशन पे आ अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है वर्कमैन ड्यूज माइनस होता है, होता है येस और, नो, फिर उसके आपके आते और आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन पे सबसे पहला प्रायोरिटी ऑफ क्लेम के हिसाब से आई का कॉस्ट क्या हो जाएगा डिडक्ट हो जाएगा अब आई का कॉस्ट डिडक्ट होने के बाद आप क्या डिडक्ट करोगे वर्कमैन के ड्यूज डिडक्ट करोगे Yes no? अब वर्कमैन की ड्यूज कितने हैं अच्छा अब अगर .99, 99 में से जीरो पॉइंट कर रहे हो तो उसके बाद कितना बचेगा? कितना मिलेगा बैंक बी वन को ने बचा पड़ी सिक्योर्ड ग्रेडस गेट दी प्रायोरिटी ओवर बैंक बी टू एज द रिमेनिंग अमाउंट इज सफिशंट टू कवर बैंक बी वन क्लेम बैंक बी वन विल रिसीव टेन करोड़ अवेलेबल फंड वॉज लेस देन रूपीज टेन करोड़ इट हैव रिसीव दी अमाउंट मतलब यहाँ पे अगर मान लो, का, यहाँ पे कितना है दस करोड़ का अगर मान लो यहाँ पे बैलेंस प्रोसीड जी अगर यहाँ पे होता तो क्या यहाँ पे सफिशियंट है उसका पूरा पैसा रिपे करने के लिए अगेन आंसर इज नो तो यहाँ पे पैसा बैंक बी वन और बी टू के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रपोर्सनेटली डिस्ट्रीब्यूट होगा ये yes, बच्चा पार्टी यहाँ तक आपको समझा पक्का क्लियर है

कने से जितना भी जो बचा है वो इनसफिशियंट है बैंक B1 का क्लेम कवर कितना, बचा है? बचा अपने कितना मिलेगा प्रपोशन मिलेगा और बैंक बी टू को कितना मिलेगा जितना भी बचता है उतना बैंक बी टू को मिल जाएगा तो अब प्रपोशन कैसे किया जाएगा आ जाओ अब गेंट का ड्यूज कितना था जीरो पॉइंट सेवन जीरो करोड़ अब अगर 8.34 में से 0.70 चला गया तो कितना बचेगा 7.6 64 CR. अब यहाँ पे आप प्रोपोर्शनेट वैल्यू कैलकुलेट करोगे कैसे कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहला b1 का अमाउंट कितना है 10 करोड़ टोटल क्लेम कितना है उनका मतलब यहाँ पे b1 प्लस b2 का टोटल क्लेम कितना होता है 17 सीआर का जिसमें से 10 b1 का है और 7 b2 का है तो आपको प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट करना है टोटल क्लेम उस बैंक का दोनों बैंक का क्लेम मिला के इन टू योर टोटल प्रोसीज विच इज अवेलेबल विच इज सेवन पॉइंट का वैल्यू आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे बी वन को कितना मिलेगा CR और बैंक B2 को कितना मिलेगा बच्चा पार्टी थ्री पॉइंट वन फाइव सी आर ये आपको समझ में आया आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से आप प्रपोर्शनेटली वैल्यू को कैलकुलेट करोगे यस yes, बच्चा पार्टी क्लियर है यहां तक कुछ भी डाउट है यहां तक आपको समझ में बच्चा पार्टी अब आ जाओ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज योर क्वेश्चन नंबर टू बी यस बच्चा पार्टी आ जाओ अगेन सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे क्या हुआ था एक कंपनी है विच इज अंकुर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है यहां पे कंपनी की एक सब्सिडरी थी सब्सिडरी का नाम था एबीसी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड अब ये जो एबीसी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है ना ये एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था कौन सा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का नाम था क्लीनिंग ऑफ गंगा रिवर एंड दी सराउंडिंग एरियाज अंडर दी नमामि गंगे प्रोग्राम यहाँ पे क्या हुआ था कि एक प्रोग्राम था इसके अंडर ने इन्होंने क्या किया था इन्होंने एक प्रोजेक्ट टेक ओवर करा हुआ था उस प्रोजेक्ट में इन्होंने प्लान किया था कि ये क्या करेंगे गंगा रिवर को क्लीन करेंगे करेगेस yes नो no? अब इन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया हुआ था अब हुआ क्या ना यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपनी थी गाइस यहाँ पे ये कंपनी ना नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली मतलब हुआ क्या एक बार प्रोजेक्ट और सब कंप्लीट हो गया इसके बाद ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रहा था तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे इन्होंने क्या बोला कि हम काम करते हैं ना ये कंपनी को मर्ज कर लेते हैं बट वो मर्जर का प्लान भी फेल हो गया तो इन्होंने क्या क्या? इन्होंने क्या किया सोचा कि हम कंपनी को क्या करेंगे लिक्विडेट कर लेंगे यहाँ पे देखो यहाँ पे इन्होंने प्रपोजल रखा था कि मर्ज करेगा बट हुआ क्या ना मर्जर का जो प्रपोजल था ना वो प्रॉपर बैठा नहीं तो इन्होंने प्लान कर दिया कि कंपनी को हम वाइंड अप कर लेते हैं क्या वॉलेंटरी वाइंड अप कर सकते हो आप आईबीसी के अंदर अगेन द आंसर इज यस अगर आपको याद हो जो हमने प्रोविजन पढ़ा था क्या वॉलंटरीली वाइंड अप हो सकता है अगेन द आंसर इज यस अब हुआ क्या इन्होंने यहां पे एक ликвиडेटर को अपॉइंट किया उस ликвиडेटर का नाम क्या था गीता गीता एक प्रपोज्ड ликвиडेटर था अब यहां पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमें ये दो आंसर करने हैं अब जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वेदर द मोड ऑफ सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम टू द ликвиडेटर बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर

सबसे पहला आ जाओ सेक्शन थर्टी एट के ऊपर यस yes, बच्चा पार्टी अगर आपको याद हो तो सेक्शन थर्टी पढ़ा था क्या? 38 क्या करता है? Yes no? अब इसके अंदर हमने पढ़ा था कि एफ सी का और ओ सी का दोनों का मेथड अलग अलग है यस yes, बच्चा पार्टी ये देखो सबसे पहला तो रिसिप्ट और कलेक्शन ऑफ क्लेम यहाँ पे क्या बोला था कि थर्टी डेज के अंदर

अगर आपको याद हो तो मैंने बोला भी था कि अगर आप एक फाइनेंशियल क्रेडिटर हो किसके कॉर्पोरेट एडिटर के और अगर आपको आपका प्रूफ सबमिट करना है क्लेम सबमिट करना है के पास तो कौन से फॉर्म में होना चाहिए कहने से इलेक्ट्रॉनिक मीन से होना चाहिए और कौन से फॉर्म में होना चाहिए फॉर्म डी में होना चाहिए ये सो तो बच्चा पार्टी अगर आप फैक्ट्स देखोगे तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर ने भी कैसे क्लेम भेजा हुआ है तो उसने भी क्लेम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट के थ्रू भेजा था विच इज इनवैलिड

कि अगर आप एक ऑपरेशनल ग्रेडर हो तो आप किस तरीके से फॉर्म सबमिट करोगे आप इन पर्सन या पोस्ट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी वर्कमैन हो, तो हो तो वर्कमैन के लिए कौन सा फॉर्म है फॉर्म ई e है समझ है बच्चा बाड़ी? मतलब आपको समझ है कुन से -कुन से में आ रहे yes, बच्चा पाटी क्लियर है यहां तक आपको समझा और सबसे लास्ट पर्सन क्लेमिंग टू बी स्टेक होल्डर

समझ में आया बच्चा पढ़ी यहां तक क्लियर है यहां तक आपको समझ में आया यस yes. अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है वॉट इज द रोल ऑफ द लिक्विडेटर इफ शी कॉर्पोरेट पर्सन विल नॉट बी एबल टू पेट इन फुलसीज ऑफ असैड टू बी सोल्ड इन अब का ये एक सजेशन बेस्ड क्वेश्चन है मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपसे आपका सजेशन मांग रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे लिक्विडेटर को पता चला कि यहाँ पे जो कॉर्पोरेट पर्सन जो है वो उसका डेट पूरा का पूरा पे नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे एज अ लिक्विडेटर बिंग लिक्विडेटर आपका यहाँ पे क्या रोल होना चाहिए तो यस बच्चा पार्टी यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन का आपको किस तरीके से आंसर करना था ध्यान से देखो सबसे पहला क्या करोगे आप कुछ सेवरल की एस्पेक्ट अंडरटेक करोगे सबसे पहला असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ये क्या कहता है द द लिक्विडेटर मस्ट असेस कंपनीज फाइनेंशियल सिचुएशन इंक्लूडिंग a detailed examination of the company's assets liabilities and potential shortfall they are responsible for reporting their finding to the creditors and other stakeholders मतलब आपको ट्रांसपेरेंसी रखना है आपको ये देखना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो आप देखो कि असेट्स और लाइबिलिटीज कितना है अब आपको रीजन समझना है कि क्यों इतना शॉर्टफॉल हो रहा है क्यों आप क्रेडिटर्स का क्लेम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो आप उनका क्लेम क्यों रीपे नहीं कर पा रहे हो आपको ये एक्सप्लेन करना है उसके साथ साथ आपको असेट रियलाइज करना है मतलब अगर लो आपको पता चला कि भाई कंपनी पूरा पूरा का पूरा पैसा रिपे नहीं कर पाएगा तो आप 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 क्या क्या रुक जाओगे? नहीं करोगे? आप प्रोसेस के साथ कंटिन्यू करोगे? वही करना है यहाँ पे को भी टू सेल ऑर्डर टू रिकवरी फॉर क्रेडिट रियलाइजेशन ऑफ अट्स माइ नॉट कवर ऑल्विडेटर रोल इज टू एंश्योर मैनर दैट अचीव दी बेस्ट पॉसिबल वैल्यू मतलब देखो लिक्विडेटर आपको पता है कि सारे के सारे डेट रिपे नहीं हो पाएंगे लेकिन क्या ये? अब आप यहाँ पे क्योंकि सारे डेट रिपे नहीं हो पा रहे तो आप क्या लिक्विडेशन प्रोसीडिंग रोक दोगे आंसर इज नो आप क्या करोगे लिक्विडेटर आप असेट्स को बेचना शुरू ही रखोगे मतलब आप उसको कंटिन्यू रखोगे अब यहाँ पे एक और चीज क्या बोला है कि अ लिक्विडेटर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी असेट आप मार्केट में बेच रहे हो आप ट्राई करो बच्चा पार्टी की आपको उसका मैक्सिमम वैल्यू मिले क्यों क्योंकि जितना ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगा कहने से उतना फटाफट आप क्या करोगे क्रेडिटर्स का क्लेम रीपे कर पाओगे समझ में बच्चा पार्टी फिर उसके बाद आप क्या करोगे आप जितना भी प्रोसिड आपके पास आया आप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 यस येक्शन फिफ्टी थ्री क्या है वाटरफॉल मैकेनिज्म

If it becomes evident that the company cannot pay all of its debt, the liquidator may need to consider whether any settlement or arrangement can be made with the creditor. This might include negotiating with the creditor for partial payment or restructuring proposal. Though this is less common in a liquidation scenario, approach. कि भाई आप क्या करो आप थोड़ा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए मान जाओ अब देखो हो सकता है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये सेटलमेंट ना हो बट कहना से ये एक और तरीका हो सकता है क्रेडिटर्स को रीच आउट करने का क्रेडिटर्स को कन्विंस करने का कि क्योंकि डेट पूरा का पूरा रीपे नहीं हो सकता तो आप क्या करो आप पार्शल सेटलमेंट के लिए अग्री करो और सबसे लास्ट में क्या है लीगल एंड कंप्लायस ड्यूटीज द लिक्विडेटर एंश्योर दैट दी लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लाई विद ऑल दी रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन दिस इंक्लूड्स फाइलिंग नेसेसरी विद रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड हैंडलिंग एनी क्लेम और डिस्प्यूट अराइज दी अब यहाँ पे होगा क्या? मेरे बताओ. अगर प्रोसीडिंग चल रहा है अगर इन बिटवीटर हो और मान लो लिक्विडेटर प्रॉपरली हर एक चीजें नहीं देख रहा है लॉ कम्प्लाई नहीं कर रहे तो चलेगा क्या आंसर इज नो अगर भाई आपको पता है कि डेट आप पूरा रीपे नहीं कर पाओगे इसके चक्कर में आप लिक्विडेशन के सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई करना छोड़ दोगे आंसर इज नो एंड सबसे लास्ट में आता है फाइनल अकाउंट एंड क्लोजर Once the assets have been realized and distributed, the liquidator prepares final account and report on liquidation process. After all tasks are complete, the liquidator applies to the relevant authority for the company to be formally dissolved. In conclusion, when a liquidator finds that the company's assets will not cover its debt in full, their role is to manage the liquidation process effectively, ensuring that assets are realized and distributed according to the legal priority and to maintain transparent communication with creditors and stakeholder. थ्रू आउट द प्रोसेस समझ में बच्चा बटी आपको क्या करना है मतलब अगर आपको, पता चल उल्टे का आपको प्रोसेस को और इफेक्टिवली कंटिन्यू रखना है मतलब आपको ध्यान में रखना है कि जितना भी पैसा आपको आ रहा है आप प्रायोरिटी वाइज आपको क्या करना है उतना पैसा रीपे करना है यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट रहना है मतलब आप किसी भी क्रेडिटर को फेवर नहीं करोगे क्यों क्योंकि अगर आपने किसी भी क्रेडिटर को फेवर किया उसकी वजह से क्या होगा दूसरे क्रेडिटर का इंटरेस्ट अफेक्ट होगा समझ मारे बच्चा पार्टी और अगर मान लो ये सिचुएशन में भी आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखोगे तो कहने से बींग लिक्विडेटर आप कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच करो तो आपको क्या करना है ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रखनी है यस बच्चा पार्टी तो कहना से अगेन हमने

यहाँ पे हुआ क्या था इस क्वेश्चन में क्या बोला था एक पानीपति जी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक प्राइवेट कंपनी था जिनका काम क्या था ये लोग ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल्स में प्रोसेस करते थे अच्छा ये जो कंपनी है ये किसके लीडरशिप में एस्टेब्लिश हुआ था तो पानीपति जी प्रसाद करके एक पर्सन थे इनके लीडरशिप में क्या हुआ था ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था अब हुआ क्या ना यहाँ पे विदिन अट मतलब थोड़े ही टाइम के अंदर यहाँ पे जो पानीपति सीट प्राइवेट लिमिटेड था, था ये लोग बच्चा लीडर बन चुके थे ये लोग लीडर बन चुके थे किसमें ग्राउंड नोड्यूस करने में, मतलब, में इनके बरबर कोई भी नहीं था अब हुआ क्या ना जब यहाँ पे 2016 में जो प्रसाद जी थे उनको क्या हुआ उनकी हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई और इनका कोई भी सक्सेसन प्लान या कुछ भी नहीं था अब हुआ क्या जैसे ही इनकी डेथ हुई जो इनके दो बेटे थे राम एंड शाम

उसने क्या सोचा कि ये जितना भी जो कंपनी है वो मैं हैंड ओवर कर लेता हूँ ले तो ये जो कंपनी था तो ये कंपनी अब किसके मैनेजमेंट में आ गया था राम के अंडर आ गया था एंड शाम ने क्या किया उस कंपनी से रिजाइन कर लिया एज अ डायरेक्टर मतलब वो एज अ डायरेक्टर निकल गया उस कंपनी से लेकिन क्या वो ऐसे ही निकला नहीं इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि भाई जो इनका एक और फॉर्म था सरस्वती एडिबल्स करके उस फॉर्म का उस फॉर्म का पूरा का पूरा जो ये था कंट्रोलिंग किसको दे दिया गया तो उसके दूसरे भाई को विच इज शाम को तो जरूरत था कंपनी के अंदर तो राम का जो बेटा था कौन प्रवीण प्रवीण को क्या किया गया एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था अच्छा अभी तक आपको फैक्ट समझ में अभी तक आपको फैक्ट समय तो यहां पर देखो यहां पर टू में शाम को ना कुछ अनसिक्योर लोन विड्रॉ करना था जो उसने कंपनी को दिया हुआ था समझ समझना यहाँ पे क्या हुआ था शाम को क्या करना था कुछ अनसिक्योर लोन जो था ना वो विद्रॉ करना था जो उसने कंपनी को दिया हुआ था अब यहाँ पे हुआ क्या क्योंकि कंपनी ने उसको इंटरेस्ट देने से मना कर दिया था कंपनी उसको इंटरेस्ट दे ही नहीं रहा था अब शाम ने काफी बार अप्रोच किया कंपनी को और बोला कि प्लीज आप मेरा पैसा रिटर्न कर दो बट कंपनी ने रिपे नहीं किया अब हुआ क्या शाम ने आईबीसी के अंदर सेक्शन सेवन के अंदर

आईबीसी के अकॉर्डिंग अगर आपने मैनेजमेंट आपने मुझे हैंड नहीं किया तो आपके अगेंस्ट में हम लीगल एक्शन इनिशिएट करेंगे तो हुआ क्या फिर थो, थोड़े टाइम बाद फाइनली राम मान गया और राम ने आई को बोला कि ठीक है आप क्या कर सकते हो आप मेरे जितने भी असेट्स जितने भी स्टॉक्स है आप सबका इन्वेंट्री ले सकते हो इन्वेंट्री मतलब आप लिस्ट ले सकते हो समझ में आप अच्छा पार्टी मेरे बाप पे फाइनली राम मान गया था उसके बाद जब ये सारे के सारे इन्वेंट्रीज और ये सब हो गया उसके बाद इनका क्या हुआ जो सीआरपी था वो इनिशिएट हो चुका था अब ये सारे, सारे facts के सारे फैक्ट्स के बेसिस पे आपको क्या करना है आपको ये फॉलोइंग आंसर करने हैं अगेन क्वेश्चन काफी बड़ा है काफी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है सिचुएशन काफी ज्यादा है अब क्वेश्चन जो पूछे है वो क्या क्या क्वेश्चन है सबसे पहला क्या क्वेश्चन है सोफी बैंक द ओनली बैंक विथ होम द कंपनी इज बैंकिंग मतलब कंपनी का सिर्फ एक ही बैंक था सोफी बैंक अब यहाँ पे सोफी बैंक ने अपील फाइल किया किसके पास एनड के पास टू से रिगार्डिंग ऑन द ग्राउंड दैट इट्स क्रैश क्रेडिट अकाउंट विद्यूलर एंड देर इज नो डिफॉल्ट विद्लिकेशन ऑफ सोफी बैंक सरवाइव अब यहाँ पे सोफी बैंक जो था ना इसने क्या बोला मान लो अगर मान लो यहाँ पे एप्लीकेशन जो एडमिट जो करा हुआ है

मिसरिप्रेजेंट किया है तो कहना से अब क्या होगा जो सीआरपी हुआ था, वो टर्मिनेट हो जाएगा लेकिन अगर यही तो ये ये हमने यहाँ पे कंक्लूजन में लिखा हुआ है तो बचा को समझ में आ रहे किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना था यस बचाटी क्लियर है यहाँ तक कुछ भी डाउट है यस अब आ जाओ इसी के सब क्वेश्चन टू पे

ये डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन में क्या सिचुएशन है आ जाओ यस द आईआरपी इज करेक्ट इन एडमिटिंग द क्लेम ओनली फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट एंड नॉट फॉर द इंटरेस्ट यर एंड एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ द आईबीसी मतलब क्या है जान से देखो सबसे पहला तो जब भी आप अपना क्लेम सबमिट करोगे आपको क्लेम के साथ क्या करना है प्रूफ देना है कि भाई आपका इतना क्लेम बनता है यस बच्चा पार्टी आपको प्रूफ देना ही पड़ेगा आईआरपी ने, क्यों ने देखा कि इसके अगेंस्ट में बोला कि आईबीसी के अंदर आपका क्लेम तभी ही किया जाएगा। जब आप आपका क्लेम प्रूव कर पाओ एविडेंस देखे अगर आपके पास कोई इनवॉइस ही नहीं है आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है कोई रेजोल्यूशन ही नहीं है कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो आपका क्लेम कैसे प्रूव करोगे आप कैसे बताओगे कि नहीं ये क्लेम वैलिड है या ये क्लेम इनवैलिड है तो सबसे पहले तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए समझ में आ रहा है अच्छा प्रिंसिपल क्या कहता है इज़ फॉर एडमिटिंग क्लेम बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस प्रोवाइडेड मतलब जो भी एविडेंस जो आपने प्रोवाइड करा हुआ है अगर वो वैलिड है तो आई क्लेम क्या करेगा एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि आई को कुछ एविडेंस या कुछ तो डॉक्यूमेंट चाहिए ना

To establish their validity. इतना ही नहीं, में भी 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 हमने एक हुआ है, है है, ने भी ये बोला हुआ है कि भाई जितना भी आपका है, एस वेल एस का इसके लिए आपको प्रग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा किसके पास रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास तो बचा पार्टी आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए तो ने जो क्लेम एडमिट किया सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के लिए और उसने जो इंटरेस्ट को अमाउंट एक्सक्लूड कर दिया क्यों क्योंकि आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको आंसर करना था यस yes, बच्चा पाटी चलो आ जाओ अब आ जाओ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे सब क्वेश्चन पे सब क्वेश्चन नंबर थ्री अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है ध्यान से देखो यहां पे क्या बोला है सोफी बैंक चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट नाइन परसेंट ऑन द कैश क्रेडिट लिमिट अवेल बाय द कंपनी एज पर टर्म्स ऑफ सेंक्शन इवन आफ्टर दी कमेंसमेंट डेट एंड जस्टिफाई इट ऑन द ग्राउंड दैट इफ द इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज द अकाउंटाइड एज एन बी एज बैंक क्लेम लीगली जस्टिफाइड बच्चा बटी बताओ क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है कि जो क्रैश क्रेडिट का लिमिट जो यहां पे कंपनी ने अवेल करा हुआ था उसके ऊपर तो हमें इस अकाउंट को क्या क्लासीफाई करना पड़ेगा एनपीए क्लासीफाई करना पड़ेगा तो क्या बैंक जो यहाँ पे क्लेम कर रहा है क्या वो अकॉर्डिंग टू द कोड क्या वो वैलिड है ये yes, बच्चा पार्टी बताओ आ जाओ यहाँ पे चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर They go. Yes, Year your answer number three. The legality of Sophie Bank charging interest at the rate nine percent on the cash credit limit availed by the company after the commencement of insolvency depends on several factors under the Code. Once the insolvency proceeding commences, that is, CRP, there are specific provision regarding the status of debt owed by the corporate data, which is the company. Section fourteen. Yes, बच्चा अगर आपको याद है सेक्शन क्या बात करता है जैसे ही सीआरपी कमेंट्स होता है क्या लग जाता है मोरिटोरियम पीरियड लग जाता है हमने मोरेटोरियम पीरियड के वक्त पढ़ा था कि देर आर फोर ट्रांजेक्शन जो क्या हो जाता है रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जिनके ऊपर स्टे ऑर्डर लग जाता है येस और नो देखो

स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्टेड बाई दी प्रोविजन ऑफ आई बी सी ड्यूरिंग द मोरिटोरियम पीरियड बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर भी साफ साफ लिखा हुआ है इतना ही नहीं अगर आपने आईबीसी का हमने जब कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा था मैंने तभी भी आपको बोला था अगर आपको याद हो क्या आई बी सी का कोई प्रोविजन अगर किसी और रेगुलेशन या एक्ट के साथ कॉन्ट्राडिक कर रहा है तो उस केस में क्या यहाँ पे किसको ओवर राइड करेगा कहना कोड ओवर राइड करेगा ये और नो कहना से ही हमने पढ़ा था पक्का अच्छा अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में बता रहे मोरिटोरियम पीरियड यस अब मोरिटोरियम पीरियड के वक्त अगर आपको पता रहेगा तो जो कंपनी का जो अकाउंट होता है उसको आप एनपीए डिक्लेयर नहीं कर सकते मतलब यहां पे क्रेडिटर कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा अगेंस्ट कंपनी एंड अगेंस्ट द कंपनी का मतलब क्या है यहां पे कंपनी का जो बैंक अकाउंट भी जो होगा वो भी बच्चा पार्टी यहां पे क्या होगा इंक्लूड हो जाएगा यस और नो However, IBC does not explicitly prevent the ऑफ इंटरेस्ट ऑन on the existing ड्यूरिंग during the अनलेस डायरेक्टेड अदरवाइज otherwise दी the NCLT. सी बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या, पे क्या, क्या पे कर रहे हैं यहाँ पे क्या आईबीसी क्या यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट तो कंटिन्यू होता रहेगा समझ में आ रहा है एंड आपका ट्रिब्यूनल स्पेसिफिकली बोले मान लो कल को एनसीएलटी इंटरेस्ट नहीं, नहीं, नहीं चार्ज करोगे तो यहां पर बैंक क्या इंटरेस्ट चार्ज कर पाएगा इंटरेस्ट प्रिवेंट्स द अकाउंट फ्रॉम क्लासिफाइड एज एनपीए इज रीजनेबल अंडर द बैंकिंग इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट आर ओवर डी फॉर पार्टी हमने पढ़ा था लेक्चर में क्या सर्विस एक्ट के अंदर अगर आपको याद हो तो अगर मान लो किसी पर्सन ने मतलब बोरो ने अगर नाइन्टी डेज तक पैसा नहीं भेज दिया अगर नाइन्टी डेज तक उसने डिफॉल्ट किया तो क्या होगा उसके उसका अकाउंट एन बी ए क्लासीफाई होगा येस yes और नो no? बैंक एंश्योर दट दी अकाउंट रिमेन्स क्लासिफाइड एज अ स्टैंडर्ड अब यहां पर बैंक ने क्या बोला की देखो अगर यहां पर हमने इंटरेस्ट लगाना बंद कर दिया अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट में डिफॉल्ट कर रहे हो फॉर अ कंटिन्यूअसली पीरियड ऑफ नाइन्टी डेज और मोर तो उस केस में कंपनी अकाउंट जो है वो क्या क्लासिफाई हो जाएगा एनपीए क्लासीफाई हो जाएगा तो क्या चलेगा क्या आंसर इज नो अब देखो मोरिटोरियम का इम्पैक्ट क्या पड़ता है ियम रेस्ट्रिक्टिटर ही डिस्कस किया बचापी yes no. तो यहाँ पे अगर एनसीएल स्पेसिफिकली मान लो बोलता है कि यहाँ पे बैंक आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते तो यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाएगा लेकिन हाँ यहाँ पे अगर बैंक ये बोल रहा है कि अगर मान लो इसने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो इसका अकाउंट हम एनपीए डिक्लेयर कर लेंगे और हम रिकवरी करना स्टार्ट कर देंगे तो चलेगा क्या आंसर इज नो बिकॉज मोरिटोरियम पीरियड के वक्त क्रेडिटर कुछ सर्टेन एक्शन नहीं ले सकते हैं अब आ जाओ कंक्लूजन पे दैट सोफी बैंक डिसीजन टू चार्ज इंटरेस्ट एट नाइन परसेंट ऑन कैश क्रेडिट लिमिट अवेयर बाय द कंपनी पोस्ट इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट टू प्रिवेंट द अकाउंट फ्रॉम क्लासिफाइड एज एनपीए अपियस लीगली जस्टिफाइड अंडर द करंट बैंकिंग नॉन्स एंड दोविजन ऑफ आई बी सी द बैंक इज एन टाइटल टू प्रोटेक्ट इट फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड कंटिन्यू टू चार्ज इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विदर्म्सिफिक डायरेक्शन फ्रॉम दी एनसीएल और रेग्युलेटरी ऑथोरिटीज टू दी कॉन्ट्री मतलब बच्चा पार्टी यहाँ पे बैंक जो इंटरेस्ट डिमांड कर रहा था कि आप इंटरेस्ट पे करो नहीं तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा एनबीए डिक्लेयर हो जाएगा तो यहाँ पे बैंक जो बोल रहा है कि इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए तो वो कंप्लीटली वैलिड है हाँ लेकिन अगर एनसीएलटी मना करेगा अगर एनसीएलटी उसके ऊपर भी स्टे लगा देगा तो क्या बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा आंसर इज नो यस यस बच्चा पार्टी आपको आपको समझ में आया yes. फिर से मैं आपको पूछ रहा हूं क्या आपका वापस से आंसर राइट right हुआ यस और नो बच्चा पार्टी आपको पता है ना कैसे प्रैक्टिस करना है आप क्वेश्चन रीड करो उसके बाद आप खुद से एनालाइज करके आंसर देने का ट्राई करो फिर ही आप सजेस्टेड आंसर पे जम्प करना अब आ जाओ इसी के क्वेश्चन नंबर फोर पे

कैसे ट्रांजेक्शन याद करो याद करो ये कौन सा ट्रांजेक्शन ऐसे जिनको कोड अवॉइड अवॉइड करता है मतलब इसका इफेक्ट अवॉइड करता है अगर ये हुआ था तो इस ट्रांजेक्शन का पूरा का पूरा इफेक्ट हम क्या करते थे रेसिप्रोकेट करते थे तो अब यहां पे अगर आप देखोगे सजेस्टेड आंसर तो ये देखो दैट अंडर आईबीसी ट्रांजेक्शन सजेस्ट पेमेंट ऑफ रुपीज वन करोड़ टू अ क्रेडिटर वेर राम डेटर इज पार्टनर सब्जेक्ट टू टू स्क्रूटिनी डिटरमाइन इफ दे फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन मेड विद एन इंटेंट टू डी फ्रॉड क्रेडिटस मतलब अगर मान लो अगर आपने इनसोल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के दो साल के अंदर दो साल के पहले अगर आपने मान लो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया है जिसके अंदर आप किसी क्रेडिटर को प्रेफरेंस दे रहे हो प्रेफरेंस का मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर में अगर आपने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया जो ट्रांजेक्शन करके आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा रहे हो किससे बचा रहे हो क्रेडिटर से बचा रहे हो तो कहने से उस केस में आप दूसरे क्रेडिटर के साथ फ्रॉड कर रहे हो येस और नो तो बचा बाटी क्या no. तो यह अलाउड था आंसर इज नो तो यहाँ पे देखो सबसे पहला तो आपको क्या करना था प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में बताना था अ कॉर्पोरेट डेटर मेक सर्टन पेमेंट और ट्रांजेक्शन टू सर्टन क्रेडिटर्स विद इन अड पीरियड ये बच्चा पार्टी अब स्पेसिफाइड पीरियड अगर आपको पता चल रहा हो तो स्पेसिफाइड पीरियड क्या था रिलेटेड पार्टी के लिए कितना था बच्चा पार्टी टू इर्स था ये yes no? और अनरिलेटेड कितना था एक साल था यस और नो सच ट्रांजेक्शन आर मेड विथ द इंटेंशन टू प्रेफर वन क्रेडिटर ओवर अनदर देर बाय पोटेंशियली डिमिनिशिंग दी असेट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल क्रेडिटर इन द इवेंट ऑफ इनसॉल्वेंसी ये लो बच्चा पार्टी अब अगर आपको याद बैक पीरियड मतलब क्या है अभी जो मैंने बोला ना कि कितना टाइम आपको देखना पड़ता था रिलेटेड पार्टी के लिए दो साल और अनरिलेटेड के लिए कितना था एक साल का पीरियड था अब यहाँ पे अगर आपने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया था तो उसका इंपैक्ट क्या होगा उसका रिकवरी क्या होगा आपको ये डिफाइन करना था सबसे पहला तो इफ अ ट्रांजेक्शन इज डीम प्रेफरेंशियल अंडर दी कोड दर पी

के इंटेंशन से किया हुआ था या ये ट्रांजेक्शन आपने आपका असेट बचाने के लिए किया हुआ था यस और नो अगर मान लो आपका इंटेंशन ही था क्रेडिटर को डिफ्रॉड करना या तो फिर किसी एक क्रेडिटर को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना तो उस केस में बचा करने से ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या हो जाएगा पूरा का पूरा रेसिप्रोकेट हो जाएगा ये देखो इफ इट इज फाउंड दैट रुपीज वन करोड़ पेमेंट इंटेन्ट टू प्रेफर राम और एडिबल ओवर अदर क्रेडिटर और इफ इट वॉज मेड टू डी फ्रॉड क्रेडिटर इट कुड बी चैलेंज अंडर दी प्रोविजन ऑफ आई बी सी ये पार्टी क्लियर है अब यहां पर आई आर पी का रोल और एक्शन आपको बता दें लास्ट में क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि बच्चा पार्टी ये जितने भी जो ट्रांजेक्शन होते हैं अब ये ट्रांजेक्शन रिव्यू कौन करेगा कैसे पता चलेगा कि ये सारे ट्रांजेक्शन ही से यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा अगर उसे

अब अगर आपको याद रहेगा जब हमने सीओसी का चैप्टर पढ़ा था तब हमने ये भी देखा था कि सीओसी का जब भी मीटिंग होगा तो नोटिस किस -किस, yes no? किस, -किस, मतलब किस किस को जाता था अगर मान लो कोई डिरेक्टर है जो कि सस्पेंड हो चुके थे अगर आपको याद है जैसे आपका सीआरपी इनिशिएट होता है कहनाई से आपके डायरेक्टर्स और पार्टनर्स ये सब क्या हो जाते है सस्पेंड हो जाते हैं तो कहनाई से उनको भी नोटिस जाता था यस और नो अच्छा बच्चा पार्टी अगर आपको याद हो हमने यह भी डिस्कस किया था कि अगर आप एक रिलेटेड पार्टी हो आपको नोटिस तो मिलेगा इवन जो डिरेक्टर्स होते हैं बच्चा पार्टी उनको रेजोल्यूशन प्लान तो मिलता है लेकिन यहाँ पे क्या वो लोग वोट कर सकते हैं no. मतलब उनको नोटिस मिलेगा वो लोग प्रेजेंट भी रह सकते मीटिंग में लेकिन क्या वो लोग वोट करेंगे जनरली तो इनको नहीं मिलता लेकिन क्या लोग कंप्लीटली डिबाइड है आंसर इज नो अनलेस दे एज फाइनेंशियल क्रेडिटर विद क्लेम देखो अगर आपका फाइनेंशियल क्लेम है और आप एक फाइनेंशियल क्रेडिटर हो तो तो आपको गारंटी नोटिस मिलता ही मिलता है यस और नो बच्चा पार्टी हमने प्रोविजन के अंदर पढ़ा भी था लेकिन क्या आपको वोटिंग रेट मिलेगा आंसर इज नो The focus of COC meeting is to facilitate decision making by the creditors who have a financial stake in the insolvency proceeding ensuring the fair and effective resolution of the company's financial distress. Now here, the representation tha that RAM as a related party and as an unsecured financial creditor should receive notice of the COC meeting is reasonable and aligned with the principle of the IBC.

अब आ जाओ सीधा आपके क्वेश्चन नंबर डी पे यस एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और एकदम ही बढ़िया सा क्वेश्चन था क्या क्वेश्चन है देखो वेदर द लेजिस्लेटिव स्कीम दैट इज कंटेन इन सेक्शन सेवन एंड सेक्शन नाइन आप बचा बटी सेक्शन सेवन और नाइन क्या है सेक्शन सेवन किसके बारे में बात करता है फाइनेंशियल फिनेंशियल और नाइन किसके बारे में बात करता है आपके ऑपरेशनल क्रेडर यस और नो क्या पूछा है देखो वेदर द लेजिस्लेटिव स्कीम ट इज कंटेड इन सेक्शन सेवन एंड नाइन ऑफ आई बी सी डिफरेंशियटिंग बिटवीन फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर रेस्पेक्टिवली एज रिगार्ड दर्ट ऑब्जेक्टिव एंड नोटिस ऑन डिफॉल्ट आर डिस्क्रिमिनेटरी एंड आर्बिट्री सब्सटेंशियट यंसर विदिवेंट केस लॉ बच्चा बेटे लोग क्या पूछ रहे हैं कि जो डिफरेंस जो यहाँ पे दो दो प्रोसीजर में जो क्रिएट हुआ है विच इज योर ग्रेडर एंड ओसी का पूरा प्रोसेस हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि सेवन का पूरा प्रोसेस क्या है, नाइन का पूरा प्रोसेस क्या है, इनफैक्ट यहाँ पे इनका क्या तो क्वेश्चन है अब बच्चा पट्टी अगर आपको याद हो हमने रेगुलर लेक्चर में ही डिस्कस किया था क्या कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिफरेंसिएशन हुआ है किसका एफ सी का और ओसी का ये कंप्लीटली वैलिड है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी वैलिड yes no, से

आप क्या करते थे बच्चा पार्टी डिमांड नोटिस भेजते थे डेटर को यस और नो अब देखो दिस सेक्शन डील्स विद ऑपरेशनल हु कैन ऑल्सो इनिशिएट अगेंस्ट अ डेटर फॉर डिफॉल्टिंग एंड ऑपरेशनल डेट सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन अब यहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है क्वेश्चन एयराइज हो रहा है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है मतलब आप जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो ऑपरेशनल क्रेडिटर और एक फाइनेंशियल क्रेडिटर के बीच में क्या ये डिफरेंसिएशन क्या ये वैलिड है तो अब आपको इसका आंसर देना था और यहाँ पे अगर आपको याद हो जब हमने स्विस रिबिंस वाला केस किया था हमने उसमें भी पढ़ा था क्या इन दी लैंडमार्क जजमेंट ऑफ स्विस रिबिंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंडिया अपहेल्ड दी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द आईबीसी

कि यहां पर फाइनेंशियल क्रेडिट जो होंगे उनका कमर्शियल विजडम ज्यादा होगा एज कम्पेयर तो टू देशन क्रेटर हमने ये भी देखा था रेगुलर लेक्चर में कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर वो कॉर्पोरेट डेटर को कैसे मैनेज करना है वो और अच्छे से बता पाएगी एज कंपेयर तो टू योर ऑपरेशन क्रेटर ये और नो ये देखो यहाँ पे द कोर्ट हेल्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर आर डिस्टिंग फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिटर ड्यू टू दर रोल्स एंड इंटरेस्ट इन डेटर कंपनी जस्ट एक एंड डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन दी डेट ओर विच डिस्टिंग ट्रीटमेंट अंडर द कोड अब आपको क्या करना है आपको रीजन देना था कि आप ये डिफरेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो डिफरेंशिएशन इज बेस्ड ऑन देश डिस्टिंग रोल फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन क्रेडर प्लेज इन दी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फाइनेंशियल क्रेडिड हैव सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली टाइड टू दी कंपनीज फाइनेंशियल

as the financial creditor have the capability to assess the commercial viability of the corporate data and are willing to modify the terms of the debt contract in negotiation between the creditors and the corporate data whereas operational creditor on the other hand are not equipped to decide on the matters relating to commercial viability of the corporate data जनरली विल टू टेक द रिस्क ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग द डेट इन ऑर्डर टू एंश्योर द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दॉर्पोरेट डेटर एज अ गोइंग कंसर्न मतलब बच्चा बटी क्या कहना सर है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल क्रेटर जो होते हैं वो रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं रिस्क मतलब कैसा रिस्क मतलब वो लोग कैसे ना वो लोग एक सेटलमेंट में आने के लिए रेडी होते हैं ये लोग है? लो नहीं सी, उसके लिए हमने आरपी को अपॉइंट करा हुआ है लेकिन आरपी किसके कहने पे काम करता है सीओ सी कहने पे ये और नो बच्चा पार्टी अब समझ में आया तो कहने से अब यहाँ पे जो हम डिफरेंस बता रहे हैं क्या उसमें कोई रिलेशन है क्या ये प्रॉपर है ये वैलिड है देखो द मोर डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी इन द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स दिस डिस्टिंक्शन इज क्रूशल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन दैट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर आर कंप्लीटली बैलेंस अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है दैट जो भी डिफरेंस यहाँ पे जो आपने क्रिएट करा हुआ है ऑपरेशनल क्रेडिट और फाइनेंशियल क्रेडिट के बीच में ये कंप्लीटली वैलिड है ये सो नो बच्चा पार्टी आपको समझ में आया कहना से एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था आपको कुछ नहीं करना था बच्चा पार्टी आपको सिर्फ क्या डिफाइन करना था कि ओसी क्या रोल प्ले करता है

सुहानी एंड ध्वनी आर चाइल्ड हुड फ्रेंड्स एंड वेरी फॉन्ड ऑफ डिजाइनिंग इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या था ना यहाँ पे दो लड़की थी वो दोनों ना बचा बाटी फैशन को लेके ट्रेडिशनल ड्रेसेस को लेके मतलब डिजाइनिंग हो गया मॉडलिंग हो गया ये सब पे ये लोग काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे अब हुआ क्या ना यहाँ पे

मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के बिजनेसमैन वॉल्ड थी अब ये लोग क्या बेचते थे ये लोग लेडीज सूट सारी पे थे थे। कोलकाता और वेस्ट बंगाल में बेचते थे, थे इनका काफी ज्यादा बड़ा मार्केट था ये और नो इन्होंने अच्छा खासा मार्केट बच्चा पाटी ऑक्यूपाई कर लिया था अब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मार्केट नहीं बल्कि इन्होंने क्या किया था ई e कॉमर्स के थ्रू इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी काफी सारे पकड़ लिए थे जहां पे लोग क्या करते थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इनका प्रोडक्ट बच्चा पाटी ये लोग बेचते थे येस और नो बट हुआ क्या जब थोड़े टाइम बाद फॉर्मल क्रोथ की डिमांड ज्यादा होने लगी तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस और ये सब का डिमांड क्या हो गया बच्चा पार्टी कम होने लगा अब ये सारी डिमांड की वजह से क्या हो रहा था बच्चा पार्टी यहाँ पे ये सारी डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या राइज हो गया कि इनका बिजनेस ना काफी ज्यादा लॉस फेस कर रहा था अब इन्होंने बच्चा पार्टी क्या किया था इन्होंने अच्छा खासा लोन भी लेके रखा हुआ था वर्किंग कैपिटल पर्पज के लिए अब जब ये लोग रीपे नहीं कर पा रहे थे तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चा पार्टी एक यहाँ पे After the change in the demand of product and growing need of formal dresses from the Indian traditional dresses, sales started declining and the company started facing cash crunch and made a default in paying the installment for rupees two crore which were outstanding in the name of Alpha Bank. Ab agar padhi, yaadho, Alpha Bank kone? Financial Institution a Financial Institution ka रीपेमेंट करने में अगर आपने कुछ भी डिफॉल्ट किया तो कहना से बचा बटी वो अंडर सेक्शन सेवन क्या कर सकते हैं सीआरपी इनिशिएट कर सकते है ये नो देखो यहाँ पे यही हुआ अल्फा बैंक ने क्या किया अल्फा बैंक ने डिसाइड किया कि वो सेक्शन सेवन के अंदर एप्लीकेशन फाइल करेगा कब एप्लीकेशन फाइल किया उसने थर्ड जनवरी ट्वेंटी को अब जो सी के लिए जो एप्लीकेशन फाइल किया था वो एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने कब एक्सेप्ट किया ट्वेंटी जनवरी को एक्सेप्ट किया इसी के साथ मोरिटोरियम भी लग गया एंड ईशान जो एक पर्सन था उसको अपॉइंट किया था एज एन इंट्रीम इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ईशान जिसको अपॉइंट किया हुआ था उसने पहले तो पब्लिक अनाउंसमेंट करा उसने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनाया उसने क्लेम्स इनवाइट करे ये सर नो लेकिन क्या सीओसी अभी तक बना था नहीं सीओसी अभी तक नहीं बना है तो ये था आपका क्वेश्चन अब ये सारे फैक्ट्स के बेसिस पे आपको कुछ आंसर करना है क्या वो आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और एकदम ईजी है सबसे पहला क्वेश्चन देखो इन्होंने क्या पूछा है

तो आज क्या होगा आज वो इनिशिएट हुआ है लेकिन कमेंट कब होता था आपका सीआरपी जब दैट इज योर एजुटकेटिंग ऑथोरिटी जब उस एप्लीकेशन को अप्रूव करे करेस और नो आ जाओ बच्चा पार्टी एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था तीन मार्क्स के लिए एकदम ही इजी क्वेश्चन पूछा था यहां पे देखो एज पर सेक्शन फाइव सबसे इनिशिएशन डेट डेट ऑन मीन अ फाइनेंशियल क्रेडिटर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट और एन ऑपरेशनल क्रेडिटर एज द केस में makes an application to the adjudicating authority for initiating the CIRP or PPIRP under the code. In the given case, the date of initiation will be 3rd January 2024. Yes, bachcha badi, samajh mare? Yahan pe apne case mein agar aap dekhoge तो application किस दिन फाइल हुआ था ये देखो अल्फा बैंक application एप्लीकेशन फाइल किया था थर्ड जनवरी 2024 को तो अब आपको समझ में आया कि यहां पे initiation date क्या होगा अब आ जाओ question number टू पे क्वेश्चन नंबर क्या कहता है डिस्क्राइब डिटेल मीनिंग ऑफ इंड्रीम फाइनेंस हाउ द इंड्रीम फाइनेंस एंड कॉस्ट इनकर्ड इन रेजिंग सच फाइनेंस इज ट्रीटेड इन केस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर गोज इन द लिक्विडेशन गैस बच्चा पार्टी सबसे पहले तो आप बताओ फटक से इंड्रीम फाइनेंस क्या होता है जो आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रेज करता है क्यों रेज करता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस अब अगर कॉर्पोरेट डेटर का बिजनेस आप गोइंग कंसर्न चला रहे हो तो कहने से पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कुछ ना कुछ फंड्स का जरूरत पड़ सकता है अब हमने ये भी देखा था कि अगर मान लो इंटरम फाइनेंस एक सर्टन लेवल तक एक सर्टन लिमिट तक अगर सीओसी ने अप्रूव करा हुआ है तो एक आरपी उतने लिमिट तक ही कहने से इंटरम फाइनेंस रेस कर सकता है और अगर उसके बियॉन्ड अगर उसको रेस करना है तो उसको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा सीओसी का अप्रूवल लेना

अप्रूव बाई दी क्रेडिटर्स इंश्योरिंग स्मूथ ट्रांजेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ री स्ट्रक्चरिंग मेजर मतलब ये रेजोल्यूशन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है अब हमें यह बताना है कि ये इंड्रीम फाइनेंस हमें कहा, कहा से मिल सकता है अब इंड्रीम फाइनेंस आपको मिल सकता है काफी सारी एंटिटी से विच इंक्लूड योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंडर्स क्रेडिटर्स प्रोवाइडिंग डेटर इन पोजिशन फाइनेंसिंग

Phase to reach a viable resolution plan during the 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 and and order for liquidation, treatment of interim finance फेज टू रीच अल रेजोलूशन प्लान ड्यूरिंग सीआरबीशन ट्रीटमेंट ऑफ क्या ट्रीटमेंट मिलेगा इनको सबसे पहले तो कहना है इनको प्रायोरिटी मिलेगा क्यों क्योंकि बच्चा बाटी ये आपके insolvency रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बनते हैं. Yes और नो उसके साथ साथ मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे कॉस्ट प्रायोरिटी बेसिस पे पे बे होना ही चाहिए पक्का क्लियर है अब देखो लिक्विडेशन स्टेट पे आ जाओ वेन द कॉर्पोरेट डेटर एंटर्स इन टू लिक्विडेशन द लिक्विडेटर टेक्स कंट्रोल ऑफ द असेट्स एंड प्रोसीड विद द रियलाइजेशन ऑफ असेट टू पे ऑफ क्रेडिटर इंट्रीम फाइनेंस प्रोवाइडर आर कैटेगराइज एज क्रेडिटर इन द लिक्विडेशन प्रोसेस एंड आर ऑल्सो एंटाइटल टू रिकवर द ड्यूज फ्रॉम द लिक्विडेशन स्टेट अब जो कॉस्ट जो आपको इनकर्ड हुआ था कॉस्ट मतलब कैसा कॉस्ट आप बचाबाड़ी मान लो मेरे को एक लाख का इंट्रीम फाइनेंस का फाइनेंस रेस करने के लिए ही मेरे को का खर्चा हो गया तो ये जो फाइव थाउजेंड जो है तो क्या आप इसको छोड़ दोगे? आंसर no. अरे ये भी तो पे करना पड़ेगा ना क्यों क्योंकि आरपी खुद के पॉकेट से पे करेगा नहीं बिल्कुल ही नहीं तो अब ये कॉस्ट का ट्रीटमेंट कैसे होगा यहाँ पे एनी कॉस्ट इनकर्ड आर फाइनेंसिडर्ड एज

in conclusion, interim finance plays a vital role in sustaining the corporate data's operation and facilitating the resolution process under the code. in the unfortunate event of liquidation, interim finance provided are accorded priority in the distribution of assets from the liquidation estate, ensuring some level of protection for the funds provided during the insolvency proceeding. madam akharami, interim finance diada during the crb.

रेलिवेंट केस लो अभी अब 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 क्या पूछे मतलब अगर मान लो एक क्रेडिटर ने एप्लीकेशन फाइल करा था एक creditor ने मान लो अब उसने, application फाइल किया और उसके बाद उसने क्या बोला application उसने कर लिया. तो अगर विद्रॉ कर लिया तो उसके बाद क्या दूसरा क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल कर पाएगा नो yes no? यही पे आपको बचा पार्टी यही आंसर देना था आ जाओ फटक से देखो क्या बोला यहां पे वंस एन एप्लीकेशन फॉर सीआरपी विद्रॉन बाई द

अब उसने बोला कि नहीं यार मेरे को एप्लीकेशन विद्रॉ करना है अब मान लो कि कोई दूसरा बेचारा फाइनेंशियल था या कोई दूसरा कोई क्रेडिटर था अगर उसको नहीं कर पाओगे कहना है इसे बच्चा पार्टी ये गलत है ये yes और नो no, बच्चा पार्टी पग का क्लियर है क्यों बच्चा पार्टी क्योंकि आईबीसी भी क्या एम करता है कि भाई अगर आप एक क्रेडिटर हो और अगर मान लो आपको आपका पैसा नहीं मिला है तो आप क्या करो आप एप्लीकेशन फाइल करो

तो क्या मैं दूसरे क्रेडिटर को डिबार्ड कर सकता हूं फ्रॉम मेकिंग एनी एप्लीकेशन आंसर इज अगेन नो तो देखो यहां पे द विड्रोवल ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन ट्वेल्व स्पेसिफिक टू दीकेट एंड डज नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ अदर क्रेडिटर्स ये ऑन नो मतलब आप एक रेजिटमेड क्रेडिटर हो और आपका क्लेम अगर वैलिड है तो आप क्या कर सकते हो बच्चा पार्टी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो इवन इफ किसी और फाइनेंशियल क्रेडिटर ने या किसी और क्रेडिटर ने क्या किया है वो एप्लीकेशन को विड्रॉ करा हुआ है

ये क्वेश्चन बच्चा सात मार्क्स के लिए पूछा था क्या पूछा है ध्यान से देखो स्टेट द प्रोविजन ऑफ फॉर आई बी सी फॉर विद्रोवल सेवन एंड सेक्शन टेन बाइप्रॉन आफ्टर इट एडमिशन बट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केस लॉज बच्चा सात मार्क्स के लिए पूछा था एकदम ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है अच्छा मेरे को बताओ यहाँ पे आप कौन सा सेक्शन रेफर करोगे सेक्शन ट्वेल्व क्या सिर्फ सेक्शन नहीं आप रेगुलेशन थर्टी ए भी यहां पर डिफाइन करोगे क्यों क्योंकि मैंने रेगुलर लेक्चर में भी बोला था कि जब जब आप सेक्शन ट्वेल्व ए डिफाइन करोगे तब तब आप रेगुलेशन थर्टी ए भी बताओगे यस और नो यस बच्चा पार्टी आ जाओ फटक से क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे ये देखो यहां पर वनस एन एप्लीकेशन फॉर सीआरपी इज एडमिटेड बाई द एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी इट कैन बी विदड्रॉन अंडर द्वेल्व एफ आई बी सी रेडविथ रेगुलेशन थर्टी ए सेक्शन ट्वेल्व एफ द कोड प्रोवाइडिंग ऑथोरिटी मे अलाउ दीडर सेक्शन सेवन सेक्शन टेन ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ नाइनटी परसेंट वोटिंग शेयर ऑफ सीओ सी अच्छा बच्चा अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या सीओ सी फॉर्म हुआ है नहीं आंसर इज कम्प्लीटली नो तो क्या अगर आपका सीओ सी फॉर्म नहीं हुआ है तो भी क्या आप एप्लीकेशन विद्रॉ कर सकते हो आंसर इज कंप्लीटलीस ये देखो नीचे जो टेबल दिया है वो यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे दोनों सिचुएशन दिया हुआ है क्या कि अगर मान लो एक बार सीओसी कॉन्स्टिट्यूट हो गया तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है लेकिन अगर सीओसी अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है तो क्या प्रोविजन है तो बच्चा पाटी आपको यहाँ पे ये वाला जो फर्स्ट कॉलम जो है वो डिफाइन करना था आपके आंसर में समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी यस क्लियर है पक्का समझ में आया अब आ जाओ यहाँ पे जो केस लॉ का रेफरेंस जो इन्होंने मांगा था

application was filed against XYZ Limited under section 7 of code to initiate CIRB. To this effect, XYZ Limited took shelter under a special provision of Act of State of Tamil Nadu, which is the State Act. XYZ Limited was declared as a relief undertaking by the government of Tamil Nadu under a state law through which XYZ Limited's liability were suspended by way of moratorium. ियम अंडरनाडु स्टेट एक्ट अच्छा पाटी एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है फर्टाक से बताओ मेरे को यहाँ पे कौन सा वाला केस लाएगा

Contained under under the the IBC will prevail over non-obstant clause under a state act. Yes उस केस में आपका जो, yes no? जो तमिलनाडु एक्ट है वो क्या है वो एक स्टेट लेजिस्लेशन है इतना ही नहीं हमने क्या देखा था प्रोविजन कि आपका जो कोड होगा विच इज आईबीसी ये हमेशा क्या करेगा यह हमेशा प्रिवेल करेगा यस और नो ओवर योर स्टेट एक्ट और एनी अदर एक्ट अगर मान लो आप आईबीसी के प्रोविजन के साथ कॉन्ट्राडिक कर रहे हो तो उतना ही नहीं अब आपको क्वेश्चन के फैक्ट्स बताने थे उसके बाद आपको रेलिवेंट केस लॉ बताना था अच्छा अब यहाँ पे रेलिवेंट केस लॉ कौन सा है इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वर्सेज आईसीआईसीआई बैंक वाला मैंने अभी आपको बोला कहना बचावाड़ी वहां पर भी, भी सेम सिचुएशन हुआ था

नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फोर ए अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, है, है? Well है अब रेस्पॉन्डेंट क्यों पता चलेगा आगे देखो क्वेश्चन में क्योंकि यहां पे हम दोनों चीजें पढ़ने वाले क्या दोनों चीजें आईबीसी एज वेल एज योर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट इनटू अ सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विथ नुशीराबाद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड शॉर्ट फॉर्म क्या है नुशीराबाद का एन सी पी एल ऑन फर्स्ट फेब्रुवरी टू थाउजेंड एट टू अंडरटेक वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड वाइडिंग ऑफ रोड फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ एनसीपीएल अपार्ट फ्रॉम दिस एग्रीमेंट अट एग्रीमेंट ऑन देंट वॉज एंटर दीपीएल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ ट्राइपेटी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज एंटेड इन टू ऑन उज एट बिटवीन एनसीपीएल प्रोजेक्ट एंड दी रेस्पोंडेंट मतलब पहले तो सिर्फ अग्रीमेंट किसके बीच में था लेकिन कोलकाता का एक प्रोजेक्ट कंपनी था उसके साथ भी उन्होंने अग्रीमेंट एंडर किया तो उसकी वजह से क्या हो गया इन तीनों के बीच में एक ट्राइपी अग्रीमेंट क्रिएट हो गया ये yes no? आगे देखो बच्चा पाटी. अब क्या हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट Dispute and differences arose between the parties, and the same was referred to the, to an arbitral tribunal, which delivered its award on 21st January 2017. One of the claim that was allowed by the said award was in favour of the respondent for a sum of rupees one crore seventy one lakh ninety eight thousand, which arose out of certain interim payment certificate. Another claim. That was was allowed related to higher rates of of payment in which a sum rupees crore lakh awarded. Three cross उड that were made by the respondent were rejected. अफ रुपीजीड्री क्रॉस ने क्या बताया कि यहाँ पे जो इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था तो ये डिस्प्यूट कहा लेकर चले गए ये लोग आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास लेके चले गए के. उस केस में हुआ क्या वहां पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने आर्बिट्रल अवार्ड पास किया अब यहाँ पे ध्यान से सुनो आगे क्या होता है ऑन 6th February 2017. A notice was sent by the respondent to NCPL to pay an amount of rupees 1 crore 79 lakh. This notice was stated to be a notice under section 8. konsa notice. Yes. Demand notice. Within 10 days, demand notice.

मतलब यहाँ पे क्या है बच्चा पट्टी ये एक डिस्प्यूटेड क्लेम है अगर आपको पता हो आप आईबीसी के अंदर तभी आ सकते हो जब आपका क्लेम अनडिस्प्यूटेड हो मतलब अगर आपका और कहीं डिस्प्यूट चल रहा है तो क्या आप आईबीसी में आओगे आंसर इज नो यहाँ पे देखो आफ्टर द नोटिस एंड रिप्लाई ऑन ट्वेंटी अप्रैल टू थाउजेंड सेवेंटीन सेक्शन थर्टी फोर पेटीशन वॉज फाइल बाई एनसीपीएल अंडर दर्बिट्रेशन एंड कंसीन एक्ट चैलेंजिंग दी फोरसेड दिस Petition was filed within the period of limitation, which is given under the act. It is only thereafter that a petition was filed under section 9 of the code on 14th July 2017. The adjudicating authority, by its order dated 29th August 2017, referred to the aforesaid facts and also referred to the fact that the award which was challenged under the section 34 specifically stated that the learn counsel for the first respondent, which was the corporate data was fair enough to admit that the claimant is entitled to the said sum of rupees 1 crore 71 lakh ninety eight thousand according to the adjudicating authority the fact that a section 34 petition was pending was irrelevant for the reason that the claim stood admitted and there was no stay of the award. For this reason therefore the section 9 petition was admitted

करोगे, तो आपको बिल्कुल ही नहीं समझेगा पहली बात तो आपको क्वेश्चन का स्टोरी समझा सबसे पहले हमने देखा कि हुआ। फिर हमने देखा कि यहाँ पे, पे कुछ डिफरेंस आ रहे थे जिसकी वजह से कुछ डिस्प्यूट एराइज हुआ फिर ये डिस्प्यूट को लेके ये लोग कहा चले गए ये लोग चले गए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास अब वहां पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने एक अवार्ड पास किया जहां पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने बोला कि इतना इतना क्लेम आपको पे करना पड़ेगा इतना इतना अमाउंट का क्लेम है लेकिन यहाँ पे हुआ क्या जब यहाँ पे एनसीबीएल को नोटिस गया अंडर सेक्शन एट तो वहां पे नोटिस का रिप्लाई किया दिया एनसीबीएल ने कि जो यहाँ पे क्लेम आप यहाँ पे मांग रहे हो एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर बीइंग एन ऑपरेशनल क्रेडिटर जो आप क्लेम यहाँ पे मांग रहे हो वो कंप्लीटली इनवैलिड है क्यों क्योंकि ये डिस्प्यूटेड क्लेम है और इसकी वजह से आप आईबीसी के अंदर कोई भी एक्शन इनिशिएट नहीं कर पाओगे लेकिन क्या यहाँ पे एनसीएल ने ये चीज को कंसिडर किया आंसर इज नो क्या यहाँ पे एपलेट ट्रिब्यूनल ने कंसिडर किया अगेन द आंसर इज नो क्यों क्योंकि एपिलेड ट्रिब्यूनल ने कहा कि यहां पे कोर्ट जो है वो ओवर करेगा आपके आर्बिट्रेशन एक्ट को तो फिर जाके यहाँ पे क्या हुआ एनसीपीएल सीधा किसके पास गया एनसीपीएल सीधा गया सुप्रीम कोर्ट के पास अब आपको ये बताना है कि भाई क्या यहां पे जो डिसीजन जो दिया था किसने बचा पार्टी एबले ट्रिब्यूनल एज वेल एज एज योर फर्स्ट ट्रिब्यूनल क्या ये वैलिड था और जो यहां पे अपील फाइल करा है सुप्रीम कोर्ट के पास किसने एनसीपीएल ने क्या वो वैलिड है क्या उसका प्लीज सुना जाएगा आ आ जाओ जाओ फटक से सीधा आंसर पे सबसे पहला आ जाओ प्रोविजन पे प्रोविजन क्या कहता है भाई ध्यान से देखो इन दी कॉन्टेक्स ऑफ आईबीसी ऑफ इंडिया एन ऑपरेशन क्रेडिटर कैन नॉट इनिशिएट सी आई आरबी

के पास गए विच इज दर्स्ट ट्रिब्यूनलो उसने कुछ अवार्ड पास किया तो क्या आप तुरंत अवार्ड को एनफोर्स करोगे आंसर इज नो no. क्यों क्योंकि अरे यार्ड पर आप अपील भी तो फाइल करोगे ना ये और नो बचा बड़ी क्लियर है डेट

अब उस आर्बिट्रल अवार्ड में से कुछ डेट डिराइव हो रहा था और यहाँ पे क्या हुआ था अपील फाइल करना बाकी था मतलब पे 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 अभी भी डिस्प्यूट चल रहा था और ऑपरेशन ने क्या किया सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर दिया अब उस एप्लीकेशन को एनसीएलटी ने भी अप्रूव कर दिया और एनक्लेट ने भी अप्रूव कर लिया था अब यहाँ पे हुआ क्या मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई अगर अगर मान लो आपका कोई भी डिस्प्यूटेड डेट अगर मतलब पेंडिंग है तो नहीं हो होता विजय निर्माण लिमिटेड विच वॉज अडेंट फॉर पेमेंट ऑफ सर्टन समी बाय मिसाबाद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड विचेस On February 6, 2017, a notice was issued by the respondent to KCPL under Section 8 of the IBC. The said notice was disputed on the grounds that the said amount was the subject matter of an arbitration proceeding. Subsequently, on April 20, 2017, a petition was filed by KCPL under Section 34 of Arbitration challenging the aforesaid arbitral award. Thereafter, on July 14, 2017, a petition was filed under Section 9 of IBC.

reference was made to section 9 of the code as per which an application under section 8 must be rejected if notice of a dispute has been received by the operational creditor the supreme court held that the object of ibc at least in so far as operational creditor are concerned is to put the insolvency process against a corporate debtor only in clear cases where a real dispute between the parties as to the debt owed does not exist

डिस्प्यूट है नहीं लेकिन आप अगर आप जान अगर कोई डिस्प्यूट दिखा रहे हो तो क्या यहाँ पे इस केस में तो, yes no? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला अगर आप एक ऑपरेशन क्रेडिटर हो और आपका ऑलरेडी डेट का डिस्प्यूट अगर किसी और एक्ट में चल रहा है अभी तक ये डेट फाइनल नहीं हुआ है तो उस केस में आप सेक्शन नाइन के अंदर आप पिटिशन फाइल नहीं कर पाओगे बच्चा पार्टी यस यहाँ पे देखो इट वॉज फर्दर हेल्प देर में कौन सा सेक्शन थर्टी फोर ऑफ योर आर्बिट्रेशन एक्ट चैलेंजिंग एंड आर्बिट्रल अवार्ड क्लियरली बी इट इज ओनली इन सच क्लियर केसेस दैट द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस मे बी पुट इन टू ऑपरेशन मतलब अगर मान लो सेक्शन थर्टी फोर के अंदर आपने एप्लीकेशन फाइल किया था

क्या आगे बढ़ सकते हैं फॉर डॉ ये अब आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर बी पे बचाबाटी क्वेश्चन नंबर बी सबसे ज्यादा इजीएस क्वेश्चन था बच्चा ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा था बताए ये देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बच्चा पट्टी नाइन मार्क्स के लिए कुछ नहीं करना था आपको ये क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या बोला यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग डिक्टम इश्यूज इन्वॉल्व विद द केस लॉस बेस्ड ऑन द रेशियो और डिसीजन प्रोनाउंस अंडर द आईबीसी मतलब क्या करना था आपको केस लॉ जो दिया है और जो इश्यूज जो इन्वॉल्व हुए हैं आपको क्या करना था सिर्फ उनको मैच करना था बचापाटी यस yes, सिर्फ मैच करना था यहाँ पे टोटल छ केस लॉ दे मतलब बच्चा पाटी एक केस लॉ कितने मार्क्स के लिए था मार्क्स के लिए ध्यान से देखो यहाँ पे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था बच्चा बाटी अगर आपने ये क्वेश्चन राइट किया है तो आपको नौ मार्क्स पूरे मिल जाएंगे मतलब नौ मार्क्स आपके जेब में क्यों क्योंकि पे मिस्टेक होने का कुछ चांस ही नहीं है समझ में आ रहा है मतलब अगर आपने गलत मैच किया रहेगा सीधा जीरो अगर राइट मैच किया रहेगा तो सीधा तीन मार्क्स समझ मारा बच्चा बाटी यस सबसे पहला केस लॉ कौन सा है संजय कुमार रुइया वर्सेस कैथलिक साइरन बैंक अच्छा संजय कुमार रुइया बैंक अब इसमें क्या इन्वॉल्व था

ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इन इंडिया इन लाइट ऑफ ऑर्डर पास फॉरेन कोर्ट अगर आपको याद हो जब हमने क्रॉस बॉर्डर किया था उसमें जो फर्स्ट केस हमने पढ़ा था वो कौन सा था J. Davis वाला case. Yes, अब आ जाओ थर्ड केस कौन सा देना बैंक वर्सेज सी शिवाकुमार रेड्डी एंड अदर्स अब यहाँ पे क्या हुआ था यहाँ पे कौन सा इशू इन्वॉल्व था फटाक से आ जाओ ये yes. सबसे पहला इशू देर इज नो स्कोप फॉर इलाबरेट

16, आपका फिफ्थ केस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब यहां पे कौन सा इशू इन्वॉल्व थाड बिन इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एंशियल क्रेडिटर बी अपॉइंटेड एस ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये बच्चा पढ़ी अगर आपको याद हो हमने तभी पढ़ा था क्या पढ़ा था अगर मान लो आप एक फिनेंशियल क्रेडिटर हो अगर आपका ही कोई

श्रीराम एंड कंपनी वर्सेस रूलर इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन अब यहां पे आपका नंबर था जो कि क्या कहता है विदाउट इनिशिएटिंग सीआरपी अगेंस्ट प्रिंसिपल बोरोवर इट इज ओपन टू फाइनेंशियल क्रेडिटर टू इनिशिएट सीआरपी अंडर सेक्शन सेवन अगेंस्ट दी कॉर्पोरेट गारंटर एज द क्रेडिटर इज ऑल्सो दी एफ कॉर्पोरेट गैरेंडर अगर आपको याद हो बच्चा पार्टी हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि आपका जो कोड है वो किसको कवर करता है पर्सनल गारंटर को भी कवर करता है तो मतलब अगर आप सीधा प्रिंसिपल जो है उसके अगेंस्ट में अगर आप सेक्शन सेवन के अंदर एप्लीकेशन फाइल नहीं भी करना चाहते हो स्ट्रेट अवे आप सीधा उस गारंटर के अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो बच्चा पार्टी केस लॉ थे छ के केस लॉ एकदम ईजी थे ये सर नो और बच्चा पार्टी अगर आपने ये छे के केस लॉ अगर करेक्ट किए हुए तो बच्चा पार्टी नौ मार्क्स आपके जेब में ऑलरेडी आ चुके हैं समझ में बच्चा बड़ी एकदम ही इजी क्वेश्चन था एकदम ही प्यारा सा क्वेश्चन था अब आ जाओ आपके सबसे लास्ट क्वेश्चन पे फटाक से आ जाओ, सिचुएशनल क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है फटाक से आ जाओ अब हम रीड करते हैं आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का आ जाओ संजय घर इज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एंड एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही इज एक्टिंग एज एन आई आर पी इन सेटेन टॉयज लिमिटेड ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल एनसीएल प्रिंसिपल बेंच डलीटीन संजयगर वॉज सब्सिक्वेंटलीट डेटर लिमिटेड बाई दीओसी है यहाँ पे एक कारपोरेट डेटर है जिसके अगेंस्ट में सीआरबी इनिशियट हो चुका है

बिलिंग प्रोसेस फॉर सिलेक्टिंग एन आई आरबी फॉर दिजोल्यूशन संजय गर्ग एज प्रपोज एच एन एम वॉज सिलेक्टेड टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सनल एंड बैक ऑफिस सपोर्ट सर्विस में असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एच एन एम को सिलेक्ट किया गया था जो कि बैक ऑफिस सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा मतलब बेसिकली यहाँ पे संजय घर को हेल्प करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस अब हुआ क्या यहाँ पे जो पेमेंट जो एग्री हुआ था द पेमेंट एग्रीड टू बी पेड टू इज टाइम्स ऑफ द फी पेबल टू अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल संजय घर प्रोफेशनल अपॉइंटेड प्रोफेशनल ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड कुड नॉट डिस्कलोज दू हिमसेल्फ एच एन एम एंड द अदर प्रोफेशनल सेपरेटली मतलब बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या किया संजयगढ़ ने यहाँ पे जो एच एन एम ने जो इनवाइजेस रेस किया था जो इसने खुद ने जो प्रोफेशनल अपॉइंट किए थे जो फीस जो इसने खुद ने लिया बच्चा पार्टी इसने कहीं पे भी ऐसा सेपरेटली कुछ भी स्टेट नहीं किया था समझ मार है अब आ जाओ यहाँ पे आगे मोर देन दीमाउंट अप्रूव बाई दोप्रियट ऑथोरिटीज कंप्लेन वॉज मेड अगेंस्ट दी रेजोल्यूशनल एंड मैटर ट्रेवल टू दिस Yes, पार्टी अगर आपको याद हो तो डिसिप्लिनरी कमिटी आईबीआई ने जो बनाया वो किस किया था इसी पर्प के लिए कि अगर मान लो कोई है, अगर ड्यूरिंग हो और अगर कहीं पे भी कुछ भी गलत किया रहेगा तो आप डिसिप्लिनरी कमेटी के पास कंप्लेन फाइल कर सकते हो एंड अगेंस्ट में एक्शन लेगा तो यहां पे भी यही हुआ ध्यान से देखो डिसिप्लिनरी कमेटी इज ऑफ द व्यू दैट इट इज इनकन्बल दैट दी कॉस्ट प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर personal and back office service services is 19 times of the fee payable to the resolution professional which is not a reasonable reflection of the work done and the insolvency professional was not straightforward and forthright in his conduct. In the light of the provision of the code and decided case law discuss whether Sanjay Garg as a resolution professional is liable on the basis of above fact. बचापाटी इन शोर्ट अब हमको क्या पूछा गया है कि जो संजय गर्ग ने जो किया मतलब यहाँ पे जो भी संजय गर्ग ने जो किया जो भी फीस वो ले रहा था जो फीस एच एन एम को पे हुआ जो फीस यहाँ पे दूसरे प्रोफेशनल को पे हुआ जो फीस यहाँ पे इसने इन्होंने छुपाया ज्यादा फीस दिया जो ऑथोरिटी ने अप्रूव किया था तो क्या ये चीज वैलिड है कि राइट है कहना से बचापाटी ये कंप्लीटली इनवैलिड है यस yes और नो no? क्यू बचापाटी बताओगे यस डेफिनेटली कहना चाहिए हमने ऑलरेडी पढ़ा था अगर आपको याद हो हमने चैप्टर नंबर में पढ़ा था जब हम सारे के सारे फंक्शन और ये सब पढ़ रहे थे आरपी और आई आर पी के वही भी हमने पढ़ा था क्या की भाई एक आरपी का ड्यूटी होता है क्या की जो भी आप फीस विड्रॉ कर रहे हो जो भी रेमुनरेशन आप विड्रॉ कर रहे हो वो उसमें ट्रांसपेरेंसी रखना है मतलब जो भी फीस आप लोगे आपको आपको स्टेट करना है है और अगर मान लो आपका फीस डिसाइड हुआ था कि लाख रुपए मिलने वाला है, तो क्या आप दो लाख से ज्यादा फीस लोगे आंसर इज कम्प्लीटली नो ये और नो लेकिन क्या यहाँ पे यहाँ पे जो संजय गर्ग जो है जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है क्या यहाँ पे इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया बिल्कुल ही नहीं तो यस बचा बैठी आपको यही आंसर करना था यस आ जाओ फटाक से सबसे पहला तो पेमेंट डिस्क्रिपेंसी क्या भाई जो यहाँ पे संजय गर्ग ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो इन्होंने एग्री किया कि भाई को ये इतना सारा पैसा पे कर रहे हैं तो बींगे कोई से यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन रेज हो सकते हैं क्यूं? क्यों क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही फेयरनेस नहीं है क्यों अब मेरे को बात बताओ सबसे पहला अगर यहाँ पे संजय गर्ग जो कि एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है बरबर अब मान लो अगर एच उनके पास आता है

अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा अगर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दिया यहाँ पे एचएनएम में तो कहने से ये बिल्कुल ही गलत होगा यहाँ पे सेकंड इनवाइस अमाउंट संजय गर ग्रेज इनवाइज फॉर एन अमाउंट एट एक्सीडेड विच वाज अप्रूव्ड बाय दी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, दिस सजेस्ट पोटेंशियल मिसकंडक्ट और एटलीस्ट अ वायोलेशन ऑफ प्रोसीजरल नॉर्म वेर अप्रूवल आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंडिचर बचा बाटी किस में आता है मिस्टेक्स में आता है मैंने आपको चैप्टर सिक्सटीन में ही बताया था क्या कि अगर मान लो जितना फीस आपका ऑलरेडी डिसाइड हुआ है अगर उस फीस से ज्यादा फीस आप विड्रॉ करते हो बिना किसी अथॉरिटी को बताए हुए अगर आपने फीस विड्रॉ किया तो कहना से आपने इस कोड के अंदर मिस्टेक कमिट करा हुआ है यस संजय गर ने यहाँ पे ये भी मिस्टेक कमिट करा हुआ उसके बाद जो कंप्लेन फाइल हुआ था जो डिसिप्लिनरी कमिटी के पास यहाँ पे कंप्लेन जो लॉन्च किया था संजय घर के अगेंस्ट में कहना से अब यहाँ पे जो डिसिप्लिनरी कमिटी जो है वो क्या करेगा बचाबाटी वो संजय घर को क्वेश्चन पूछेगा और बताएगा कि भाई आपने जो यहाँ पे इन्वॉइस करे हुए थे जो जो आपने ज्यादा विद्रॉ किया वो आपने कौन से पे किया? कहने से अगर यहाँ पे को क्यों क्योंकि बच्चा बाटी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का ये ड्यूटी होता है क्या कि जब भी आप कोई भी फीस विड्रॉ करोगे आपको ट्रांसपेरेंट रहना है आपको ऑनेस्ट रहना है इंटीग्रिटी नहीं भूलना है ये और नो बच्चा सबसे पहला

के जो भी कॉस्ट थे वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिए थे उसके साथ साथ कॉस्ट जो, जो होना चाहिए था जो रीजनेबल था उससे यहाँ पे बताया गया था? Yes no. जो बच्चा पार्टी बिल्कुल ही गलत था yes no. मतलब ये क्या हुआ था रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने बच्चा पार्टी क्या किया था कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच किया था इतना ही नहीं इस केस के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन डेज के डायरेक्शन ऑफ दी सीओसी Should not be included as IRBC, IRPC means your insolvency resolution process cost. Means

लिंक आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से ये नोट्स डाउनलोड करो लेकिन बच्चा पार्टी याद रखना आंसर रेफर करने के पहले आप हमेशा क्या करोगे आप पहले क्वेश्चन पूरा खुद रीड करोगे उसके बाद ही आप आंसर को रेफर करोगे बच्चा पार्टी थैंक यू सो मच